अरे तंबू, तू कहेगा तो मैं रुक जाऊंगी क्या? तेरे हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखा। अरे श्री देवी, रुक, दिखाता हूँ तुझे अपनी हिम्मत, रुक। रपचिक, तेरे कहने से रुक जाऊंगी क्या? मैं तेरी पड़ोसी पार्वती हूँ। भाई, आपने पार्वती को भी पढ़ाया है क्या? अबे घूर क्या रहा है, जाके पकड़ उसे। मैं रुक गया तो तू भी रुकेगा? काम चोर है सबके साथ। भाई, वो आपको घूर के क्यों दिख रहा था? उसकी बीवी मेरे साथ घूमती है तो मुझे ही घूरेगा ना, तेरी तो। श्रीदेवी, अब ये कैसी जिंदगी है बे? इसे मर्द समझू कि औरत? अबे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बे। भाई, औरत होती तो 5 मिनट में पकड़ लेते, कोई आदमी होता तो 10 मिनट में पकड़ा जाता है। ये पता नहीं किस मिट्टी का बना है, 1 घंटे से दौड़ा दौड़ा के बुरा हाल कर दिया है। अब छोड़ देते हैं भाई। मैं कौन हूँ पता है? तंबू छीनू। इस तंबू छीनू की कंप्लेन करके क्या समझती है अपने आप को? मुझे जेल भिजवाएगी वो? जानती नहीं है अभी मुझे वो? बताऊंगा उसे, मैं जरूर बताऊंगा। ए छीनू, तेरे पत्ते का क्लब की वजह से कितना लोग रोड पे आया ये मैं जानती है रे, इसीलिए तो तेरे नाम से कंप्लेन दी है। अबे आवाज तो यहीं से आ रही थी, कहाँ चली गई? श्रीदेवी रुक। ए, मर्द है तो पकड़ के दिखा। अरे मैं असली मर्द हूँ, लगता है इसको भी प्रूफ करना पड़ेगा क्या? अरे कहाँ भागेगी? अरे रुक, अरे कहाँ भागती है? अरे पीटी उषा की औलाद, रुक जा। कहाँ गई तू? तूने पुलिस कंप्लेन कैसे की? तेरी वजह से भाई का हाल बेहाल हो गया है। भाई ने जेल में 200 टॉयलेट बाथरूम धोए हैं। नमस्ते भाई, कैसा है? बता दिया सब कुछ? हाँ, सुबह करने के बाद कुछ धोता नहीं है, ऐसा एक बार और बोल दे, सबको बोल दे। अरे एक बात तो मैं भूल ही गया बे, उधर मैंने लफड़ा किया था ना, इसकी बीवी मेरे साथ घूमती है ना, उस चक्कर में मेरी बीवी मुझे रोज जूती आती है, ये सब भी बता देना। बता देना। उसे पकड़ कर तुझे मारने के लिए बोला तो तू मेरी ही इज्जत उतारने पर लगा हुआ है। तुम दोनों उस तरफ जा रहे, जहाँ भी मिलती है टपका दे, छोड़ना नहीं उसे, चल रहे। ये तो एक्सीडेंट केस बन गया रे। हाँ भाई, चल निकल ले यहाँ से, नहीं तो खाली पीली पुलिस के चक्कर में पड़ के अपन चक्कर गिरनी हो जाएंगे। चल 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 चल। होले नायडू जिंदाबाद, होले नायडू जिंदाबाद, होले नायडू जिंदाबाद, होले नायडू जिंदाबाद, होले नायडू जिंदाबाद। चिल्लाने के लिए मना किया था, फिर क्यों चिल्ला रहे? चुप नहीं रह सकते क्यों भाई साहब? हमारे साहब दिल ट्रांसफार्मर करवा कर नई जिंदगी लेकर आए, तुम खामोश रहने को कह रहे हो? ट्रांसफार्मर नहीं, ट्रांसप्लांटेशन, जो भी हो। होले नायडू। अरे सरक सरक, हटो पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो। ए व्हील चेयर लेके आ। अरे रुकिए रुकिए, बाहर की नजर, घर की नजर, इस पीए की नजर, सबसे बुरी नजर तो इस गेंडे की ही है। अरे चामुंडा, हाँ। तुम्हारे पति की जान को कोई खतरा नहीं है, और 100 साल जीने वाला हूँ। ये थाली घुमाना बंद करो, अंदर जाकर काम करो। बापे, ये कैसा दिल है यार? चाहे कुछ भी हो, अपना अपना होता है, पराया पराया होता है, जब भी कुछ होता है नाचने लगता है। सर, अभी ये नया नया लगा है ना, डॉक्टर ने बताया था ना कि थोड़ा दर्द रहेगा। कभी कभी दर्द होता था, तभी तो दूसरे का दिल लगवाया, फिर क्यों दर्द होता है बताओ? आप बेकार में टेंशन ले रहे हो, आपको किसी मर्द का दिल नहीं लगा है। मर्द का दिल नहीं है?
तो औरत का दिल लगाया क्या मुझे? अरे वो औरत का भी दिल नहीं है। मर्द का दिल नहीं है, औरत का दिल नहीं है, तो फिर किसका दिल लगाया? थैंक्स बॉस, बाइक पेट्रोल से ही नहीं दिल से भी चलती है, ऐसा तुमने आज साबित कर दिया। ए, किसको चाहिए तुम्हारा थैंक्स भाई? थोड़ा और कर करके मेरी पीठ की ऐसी तैसी हो गई तेरे थोड़े के चक्कर में, अभी और कितनी दूर भाई? थोड़ा और धक्का मारोगे तो आ जाएगा। भाई, इसे पंप की जरूरत नहीं, हमारे जैसों की है। मैं कुछ समझा नहीं भाई। ये बाइक नहीं है, बस दिखती बाइक है, ये पेट्रोल से नहीं धक्का देने से चलती है। अरे आप तो सब कुछ सही सही बता रहे हैं, आप कोई ज्योतिषी है क्या? इन पिज्जा वालों का मैं भी तुम्हारी तरह बकरा बन चुका हूँ। छी छी, कितना बेकार आदमी है यार तू, इंसानियत नहीं है क्या तेरे में? भैया, क्या हुआ? विलन से हीरोइन को बचाया है, ऐसा स्टाइल क्यों मार रहे हो? चलो निकले यहाँ से। हेलो मैडम, 5 मिनट्स मैडम, बस आ रहा हूँ मैडम। डैन डैन, आपके गॉर्जियस फेस को मैच करने के लिए गॉर्जियस पिज़्ज़ा रेडी है, लीजिए मैम। थैंक यू माय बॉय। मैं आपका बॉय नहीं हूँ, डिलीवरी बॉय, पैसे दीजिए चला जाऊंगा। पिज्जा कब डिलीवर किया तुमने? घंटी की आवाज नहीं सुनी क्या? घंटी बजने से पहले आए तो इन टाइम, बजते वक्त आए तो ऑन टाइम, बजने के बाद आए तो आउट ऑफ टाइम। बाय मैडम। मैडम 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 नारायण। ये इंसान के पास सिक्स सेंस नहीं है तो क्या टाइम सेंस तो होना चाहिए ना? जरा पलट के देख, पहले मैं कहाँ था अब कहाँ पहुँच गया हूँ। मुझे टाइम सेंस तो है मगर आपको कॉमन सेंस नहीं है। लेट हुआ तो पिज्जा फ्री ऐसा ऑफर रखकर हमें खटारा बाइक देकर टॉर्चर कर रहे हैं आप। अबे तू भूल कैसे गया, नौकरी के लिए सड़क पे मारा मारा फिर रहा था तू, और तुझे मैंने पिज्जा खिला खिला के नौकरी भी दी है, इतनी जल्दी भूल गया रे? हेलो मास्टर, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ मैं, वो तो थोड़ी पॉकेट मनी मिल जाए इसीलिए तुम्हारे यहाँ पे काम कर रहा हूँ, वरना तो मैं कब का रिजाइन कर देता। तू क्या रिजाइन करेगा रे, मैं ही तुझे नौकरी से निकाल देता। क्या, गेट आउट। अरे यार रुक जा, अरे वो अंकल पागल थोड़ी है, तेरे भले के लिए ही बोल रहा है यार, ये जॉब छोड़कर तू अभी कहाँ जाएगा? जब मेरा पिताजी से झगड़ा हुआ था तभी मैंने सोच लिया था कि अकेले ही कुछ करके दिखाऊंगा, ये कौन सी बड़ी बात है? आई एम अ फ्री बर्ड। अरे भाई 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 भाई, तू आसमान में फ्री बर्ड की तरह उड़कर आत्मा की शांति कर सकता है, पेट कैसे भरेगा भाई? अंकल की बात मान लेना यार। मर गया। अरे भाई 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 भाई, क्या हुआ भाई? अरे अरे क्या हुआ, क्यों क्यों? बहुत चोट लगी क्या? क्या यार, मर गया। मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल में यार। हॉस्पिटल में? हाँ भाई, तू कई घंटों से आँख नहीं खोला, मुझे लगा कोमा में चला गया। छोटे से एक्सीडेंट से मैं कोमा में जाऊंगा, आयरन बॉडी है मेरी। आयरन बॉडी है तो क्या, किसी नाजुक जगह पे चोट लगी तो आइसक्रीम बेचनी पड़ेगी। आपको चोट लगी क्या जो पिज़्ज़ा बेच रहे हैं? ए चुप करो, चलो घर चलते हैं। हाँ चलो। क्या हुआ? मेरे पैर कहाँ गए? कहाँ गए भाई? तुम्हारे पैर का? अरे रे रे रे, ये क्या हो गया? लगता है उसे बहुत तकलीफ हो रही है। ओह गॉड, ये लोग तो राक्षस की तरह चिल्ला रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जा जल्दी डॉक्टर। अरे जल्दी कर रहा। दीदी, क्या चल रहा है यहाँ पर? अब जाकर कोई डॉक्टर आ रहा है, इतना टाइम। ए, ये हॉस्पिटल है, कोई फिश मार्केट नहीं है।
इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हम चिल्ला नहीं रहे, घबरा गए हैं। ये क्या अन्याय है? स्कूटी से टकराए तो पैर काट दी, अगर ट्रक से टकराता तो सिर काट देती। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे पता नहीं, नीचे देखो। एक मिनट, बेड के नीचे देखो। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। भाई कोई अपना पैर भूल कर चला गया। भाई डॉक्टर, कोई पेशेंट अपना पैर भूल गया लगता है। वो पैर इसका है। अच्छा तो फिर नीचे क्यों रखा है? नी जॉइंट स्टिफ हो गए हैं, स्वेलिंग ना है इसलिए बांध के रखे हैं। टेंशन मत लीजिए, 10 मिनट में निकाल देंगे। अरे वाह, ट्रीटमेंट के बारे में भी कितने प्यार से बात कर रही हैं। ये देवी कहाँ? और वो जिसने मुझे ठोका, वो कहाँ? भाई तुम्हारा कचूमर बनाकर बेड पर लिटाने वाली कोई और स्त्री नहीं है, वो यही है। व्हाट? हाँ यार। हाँ भाई। I'm so sorry जी, प्लीज। It's okay. आपके ट्रीटमेंट का सारा खर्चा मैं भर दूंगी। नहीं चलेगा। ए, वो इतने प्यार से बात करी, तू चिल्ला क्यों रहा है? रुक। आपका नाम? स्वाति। वाह बहुत अच्छा नाम है। आपको कहीं देखा है मैंने, पर हाँ जॉगर्स पार्क में आपका बच्चा खो गया था, मैंने लाके दिया था, वही है ना आप? अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। तो फिर शायद आपके बॉयफ्रेंड की चेन खो गई थी, वो मैंने लाके दिया था, है ना? नहीं नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। अरे वाह क्या बात है, मुझे तो गर्लफ्रेंड मिल गई। व्हाट? आई लव यू इडियट। आपने मुझे बाइक से ठोका, मैंने आपको प्रपोज कर दिया, दोनों का हिसाब बराबर। स्टूपिड, और जोर से ठोकना चाहिए था। चलो चलते। स्वाति मेरी बात याद रखना, बहती हुई नदी को, आने वाले तूफान को और मेरे प्यार को कोई नहीं रोक सकता है। हाँ बनके दिल छूती तू है। ब्यूटीफुल सी तू नजर आती कभी कभी, वायरस के जैसे मुझ में घुस जाती है, कभी बैटरी की तरह चार्ज करती तू है, कभी वाइब्रेट मुझे करती है। डिजिटल जवानी तेरी बनी परेशानी, मेरी आंखें मिटा दे मेरी परेशानी याद। जवानी तेरी बनी परेशानी, मेरी आके मिटा दे मेरी परेशानी याद। स्वाति, आंसर दोगी नहीं मूड ऑफ होगा, डर है ना कहीं चला जाऊं कोमा, चॉकलेट जैसी लगती हो तुम उफ यम्मा, टैबलेट या टॉनिक कोई दे 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 दे। पेशेंट हूँ मैं तेरा, प्रेजेंट हूँ मैं तेरा, दिल के बदले दूँ अपना तुम दे दो, सुन ले मेरी रोई बेदिल की निशानी, प्यार में मुझे मुझे तेरा तेरा होने दो। डिजिटल जवानी तेरी बनी परेशानी, मेरी आके मिटा दे मेरी परेशानी याद। डिजिटल जवानी तेरी बनी परेशानी, मेरी आके मिटा दे मेरी परेशानी याद। क्या बस, आज तो मैं तुझे हरा कर ही दम लूंगा। तो वो क्या आएगा? बाप रे, देख इसे, चार लोगों का खेल या अकेले खेल रहा, तो सोच कितना बड़ा सैडिस्ट होगा। रहने दो यार, चलो चलते हैं। मेरी चाल बात सैडिस्ट है तो मैं टेररिस्ट हूँ। मिस्टर सुभाष राव, किस बैंक से हो? इंडियन बैंक से या इंडियन ओवरसीज बैंक से? SBI से या SBH से? ICICI से या फिर ये क्या बे? नेशनल इंटरनेशनल सारे बैंकों ने इसे बैन कर दिया है क्या? मैंने बताया था ना यार, इसका ताबी से लेकर अंडरवियर तक सब कुछ लोन पर है यार। अब यू आर राइट, हम PK बैंक से आए हैं। तुम बैंक से PK क्यों आए? हमारा लोन कब चुकाओगे? लोन चुकाने को कह रहे हो? कब चुकाओगे? जब कोई दूसरा बैंक लोन दे देगा मैं तुम्हारा लोन चुका दूंगा। फिर से लोन लेगा? सुनो, बैंक रिकवरी एजेंट का मेरा काम देख कर पता है, ISI एजेंट का ऑफर मिला है मुझे। अगर ईमानदारी से लोन नहीं भरा तो तेरी बीवी को छोड़कर सब कुछ उठा ले जाऊंगा।
ये रेड घर में रखा हुआ बेड मेरी बॉडी का ब्लड एसी फ्रिज फ्रिज में रहने वाला मटन चिकन जो चाहिए सब ले जाओ मगर मगर क्या बोलना चाहता है मगर इसे तुम मत ले जाना तू जिसे मना करेगा मैं वही लेकर जाऊंगा इस गाड़ी को उठाओ यहाँ से तुम लोग मैड फेलोस अरे देखो यार कुत्ते के जैसे ऐसे भी चैन से बांधा है चैन बनी है तो क्या हुआ पार्ट पार्ट करके इसे ऑटो में ले चल यार मेरी बाई आंख फड़फड़ा रही है चुपचाप निकल चलते हैं खोलो सब खोलो जल्दी ठीक है जल्दी कर पार्ट पार्ट अलग कर दे रहती है अबे ज्यादा बोल मत चुपचाप काम कर चल ये क्या डायनासोर तो बहुत पहले ही मर चुके हैं आप कौन क्या कर रहे है तू ये क्या है आप बीच में क्यों पड़ रहे उसने लोन नहीं भरा इसलिए उसकी गाड़ी लेकर के जा रहे हैं उसने लोन नहीं भरा तो मेरी गाड़ी के पास कौन कर रहा है भाई सही बोलो भाई आपकी पर्सनालिटी उस गाड़ी में कोई संबंध दिख नहीं रहा है मुझे उससे तुझे क्या लेना देना चल पहले फिट कर फिट कर फिट कर इसे भाई सिर्फ खुलवाना जानता हूँ फिट करना नहीं मालूम भाई फिट कर नाटक कर रहा है हाँ भाई हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी पार्ट से हुआ मेरी गाड़ी के चलते बोला था मैंने पर लेके जाएंगे अपनी जिद पर आना रहा तू कितनी मार पड़वाई है तूने तू ऐसे क्यों बोल रहा है यार कभी ना कभी ऐसे कमीनों को बीच सड़क पे काट कर बहुत बड़ा हीरो बन जाऊंगा मैं उस दिन तुझे समझ में आएगा कि वासु क्या चीज है तू कभी नहीं सुधरेगा बे वासु दिमाग हिल गया इसका चल जल्दी फर्स्ट हरिया स्वाति इमरजेंसी केस है जल्दी अरविंद सर को इन्फॉर्म करो हर्ष ओके ओके मैं रिपोर्ट्स देखकर बताता हूँ हाँ ओके सर किचन रन का केस है सर कोई ठोक कर भाग गया है बहुत ब्लीडिंग हो रही है साहब साहब डॉक्टर साहब उसे बचा लो कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा हम सब है ना हम ध्यान रखेंगे संभालेंगे उसे चौधरी प्लीज टेक केयर ऑफ देम शांत हो जाइए माजी हर्ष व्हाट्स द कंडीशन सर चोट ज्यादा लगी है इंटरनल ब्लीडिंग भी काफी हुई है सीरियसली ही इज नो मोर सर ओह गॉड डॉक्टर बनना पुण्य का काम है या पाप का ये तो मैं नहीं जानता इन्हीं हाथों से हम एक बच्चे को जन्म देते हैं और कभी कभी इन्हीं हाथों से हम किसी को बचा नहीं पाते मुझे अफसोस है वो इस दुनिया में नहीं रहा इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है अंग दान करना अगर आप अपने बेटे के अंग दान करती हैं तो हम एक जान के बदले में 10 लोगों की जान बचा सकते हैं और इस पुण्य के बदले आप अपनी बेटी की धूमधाम से शादी भी करवा सकती हैं। मेरा खोया हुआ बेटा तो मुझे वापस नहीं मिल सकता पर जैसा आप कहेंगे अगर वैसा करूंगी तो मेरी बेटी का भविष्य तो सुधर जाएगा मैं वैसा ही करूंगी डॉक्टर ठीक है माँ जी स्वाति नो ऑब्जेक्शन लेटर पे साइन करो ओके सर बाप रे अरे बाप रे मेरी जिंदगी तो खराब हो गई हे भगवान बाप रे हे भगवान बाप रे बाप रे भगवान हाँ ये तो रो रही है मुझे लगा तारीफ कर रही है मैम साहब क्या हुआ मैम साहब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई करोड़ों में खरीदा हुआ दिल इतनी जल्दी एक्सपायर हो गया साहब इतनी जल्दी मर गए वो मर गए ऐसा तुझे कौन बोला रे नहीं मरे फोटो के सामने रो रही थी तो मुझे लगा मर गया फोटो में रहने वाला इंसान नहीं मरा लेकिन फोटो वाला रूप मर गया है आपने तो मुझे कंफ्यूज ही कर दिया सीधी तरह से बताइए ना क्या हुआ Ah.
ये श्रृंगार है, ये रौद्र है, ये करुणा है। क्यों बे? ये क्रोध है। आधा मर्द आधी औरत दोनों मिले तो छक्का। तेरे गाल बहुत चिकने हैं रे, इधर आना। किसको वोट दिया? डॉक्टर। नजरों से सुई चुभो दोगे क्या? पलक तो झपका लो। ए गंदे डॉक्टर हो क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ है, यूं ही मेरे दिल में आया और मैंने अपनी मूछें निकाल दी और होठ लाल करने के लिए लिपस्टिक लगा ली मजाक में ऐसे ही। क्यों डॉक्टर, घर की वायरिंग करने वाले प्लग बॉक्स को इस बॉक्स में लेकर क्यों घूम रहे हो? कहीं अपनी चार्जिंग खत्म होने पर इसे ही यूज करोगे क्या? गुड जोक। ये प्लग बॉक्स नहीं है, जैसे बॉडी में शुगर लेवल जानने के लिए ग्लूकोमीटर होता है ना, वैसे ही मर्द का पावर लेवल जानने के लिए मैंने इन्वेंट किया है ये हार्मोन मीटर। एक बार आप अपना हाथ इस पर रखिए। हाँ, सर आप अपना हाथ रखिए। तो चुप रहा मुए। लूज कनेक्शन है क्या? ये इस तरह भकभक क्यों कर रहा है? तुम्हारे अंदर मैन और थर्ड मैन की लड़ाई चल रही है। तुम्हारी इसी हालत की वजह से ये बल्ब थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा जल रहा है। ये तो कमाल की चीज है, इसे सब पता चल जाता है क्या? डॉक्टर साहब मैं भी एक बार चेक करके देख लूं क्या? क्यों, तुम्हें अपने आप पर डाउट है क्या? चेक कर लो। मुझे अब समझ में आ गया, अब तुम निकल लो। मैं इस मशीन का एक ही नहीं कहता, बाहर मेरे दोस्त लोग मुझे सुपरमैन कहते हैं। हर फ्रेंड अपने फ्रेंड को ऐसा ही कहता है, मगर मेरी मशीन हमेशा सच कहती है। नहीं नहीं मैं नहीं मानता, एक बार आप हाथ रख के चेक करो तो। रहने दो रहने दो। क्यों, मशीन खराब है, आपके चेक करने में मालूम पड़ जाएगा, है ना? मुझे भड़काओ मत, मैं मना कर रहा हूँ ना। सिर्फ लोगों को बदनाम करने के लिए नहीं, हिम्मत है तो हाथ रख के चेक करो। तो लो देख लो। तीन महाद्वीपों के 20 से भी ज्यादा देशों में 50 से भी अधिक बच्चे स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, जानते हो? अरे बाप रे, इतनी एनर्जी है क्या? असल में आप ही सुपरमैन हैं डॉक्टर साहब, का इलाज करके इनकी बीमारी ठीक कीजिए ना प्लीज। ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल है, ये जब भी ऐसे डिल्यूजन में चले जाएं, फुली नायडू जिंदाबाद। इनकी ये आइडेंटिटी उन्हें हमेशा याद करवाते रहिए, कभी ना कभी अपने सही फॉर्म में आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम इनके जैसा बन जाना डॉक्टर। क्या हुआ, गुस्से में क्यों है? मैं अगर एक मर्डर करके जेल चली जाऊं तो तुम लोग मुझे मिलने आओगे ना? मर्डर? लेकिन किसका और किसका? उस पिज्जा वाले का, टॉर्चर कर रहा है। अगर वो सामने आया तो? तू शांत हो जा, ये सब बातें मत सोच, ठीक है? अरे वासु, तुम? मैं ही हूँ, कुत्ता काटे तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर काटे तो कुत्ते के पास जाना? मुझे लगा वो बदमाश फिर से आया है। बदमाश? कौन है बदमाश? कोई नहीं, रहने दो। कौन है वो? छोड़ो वासु। कौन है वो बताओ, कौन है वो? ओहो, उससे ज्यादा तो तुम मुझे परेशान कर रहे हो। चुप कर, जैसे कांटे से कांटा निकलता है वैसे एक पागल को दूसरे पागल से लड़वा। हाँ, उसका मतलब एक भिखारी को एक मार भी मार सकता है, ये कह रही थी। तो ठीक है, तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है वासु। क्या है वो? इससे कोई प्यार करने लगा है और हर रोज इसका पीछा करके परेशान कर रहा है। कौन है वो, कहाँ रहता है वो? Thank you.
हेलो हेलो बद्री बद्री करण 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 सरयू मेरी बहन है, अगली बार मेरी बहन के साथ दिखाना। सरयू खुद मेरे पीछे घूमती है। स्वाथी मेरी फ्रेंड है, अगर उसके आसपास घूमता हुआ दिखा तो मैं नहीं घूमूंगा, पर अगर स्वाथी मेरे पीछे आई तो। hey, मुझे जानता नहीं तू। hey, तू भी मुझे नहीं जानता, मैं बद्री बद्रीनाथ, क्या करेगा बोल। hey, तू विरार के वासु से पंगा ले रहा है। तू विरार का वासु है तो मैं कांदिवली का करण, अब बोल क्या करेगा। Hey. तू मेरे बारे में नहीं जानता। तुझे जो भी करना है कर, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे। आउट। कूल कूल बात बोल रहा है ये। hey, चल भाई। ये क्या है रे, देखा कैसे वार्निंग देके गया है, ऐसा क्या है रे इसके पास। उसकी एक खूबसूरत फ्रेंड है चाचा। With the world's first cinematically curved UHD TV from Samsung. ये भी एक इल्यूजन है। हाय स्वाति। ओ ये फिर से आ गया। इल्यूजन। अब देखो कैसे डोमिनेट करती हूँ। आ जाओ। हाँ? ये मुझे अंदर बुला रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ ना बैठो। मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स। थैंक यू। बैठो बैठो, क्या बात है बोलो। मैं तुमसे मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था, वहाँ तुम नहीं मिली तो तुम्हारे घर चला आया। Are you fine? Yeah, I'm fine. Physically होने दो, emotionally होने दो, मैं बहुत strong रहती हूँ। Don't worry. I love you, स्वाति। वो तो पुरानी बात हो गई, कुछ नई बात बोलो। तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। चाहे कोई भी ड्रेस हो, मैं एंजल जैसी ही दिखती हूँ। तुम जब ऐसी प्यारी प्यारी बातें करती हो तो बहुत प्यारी लगती हो। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों से मैं पटने वाली नहीं हूँ, समझ गए ना। कुछ बेटर करो। मतलब मैंने तुम्हें किस किया तो चलेगा। तुम किस की बात करोगे तो मैं डर जाऊंगी ऐसा लगा, पर ऐसा नहीं है स्वाति। मैंने कहा ना, तुम कुछ भी करो कुछ भी बोलो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। किस करना था ना तो करो। अरे करो ना, करो। पिज़्ज़ा मुझको बना ले अपनी सिस्टर का जीजा, तेरे शर्म पे कर डालू कब्जा, जाने जा दिल रुबा दे 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 चुमा रे, सपनों की गुलामी सांसों की रानी, दिल देने हुआ दिल मेरा ले लो, मैरिज होने भी दो डैमेज होने भी दो, दिल में हाँ आने का दे 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 दुरस्ता, डिजिटल जवानी तेरी बनी परेशानी मेरी, आके मिटा दे मेरी परेशानी याद, डिजिटल जवानी तेरी बनी परेशानी मेरी, आके मिटा दे मेरी परेशानी याद। स्वाति देखो कौन आया। स्वाति स्वाति कौन है ये लवबर्ड्स? नहीं बाप रे, ये क्या है, बचपन में स्कूल के बच्चे के बाजू में बैठने से डरती थी स्वाति, और तुमने इसे गोद में बिठा लिया। हटो तुम्हें ऐसे। अरे आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं,
अबे कैसे कोई बात नहीं, गोद में बिठा रखा है, बोलता है कोई बात नहीं। ये क्या हो गया वासु, तुम भी सपनों में आ गए? तुम भी इसे डोमिनेट करना चाहते हो? अरे पगली, ये सपना नहीं है, ये कड़वा सच है, सच। मतलब ये इमेजिनेशन नहीं है क्या? लाइव रोमांस करके इमेजिनेशन सोच रही है क्या? पागल लड़की है क्या ये? तुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। अरे ये क्या हो गया? अरे नहीं, अरे अरे अरे, 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 अरे इसने क्या जादू कर दिया, उसकी गोद में जा गिरी। स्वाति देखो, देखो स्वाति को, क्या हुआ? इसे कुछ रहा नहीं। स्वाति स्वाति, अरे बाप रे, क्या कर दिया इसने? बाप रे, अब मैं क्या करूं? इसने बदनाम कर दिया मुझे। अब देख, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये टैबलेट दिन में दो बार खाइएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। आइए भाइयों, आइए आइए, ये लीजिए। रोज एक एप्पल खाएंगे तो डॉक्टर से बहुत दूर रहेंगे। बिल्कुल सच, एप्पल खाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, खरबूजा खाएंगे तो हेमोग्लोबिन बढ़ेगा। तुम चुप कर, मैं बोल रहा हूँ ना, दोनों एक साथ नहीं बोल सकते, सॉरी। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है कि तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें किस किया ना, उसी का प्रायश्चित करने के लिए लोगों में फ्रूट बांट रहा हूँ। तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या, हमेशा मेरे पीछे घूमते रहते हो? मैं ऐसे घूम रहा हूँ इसका कारण भी तो तुम ही हो। मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लेती तो शादी करने के बाद आराम से घर पे बैठा रहता, यहाँ ऐसे लड़की के पीछे नहीं घूम रहा होता। घुमा फिरा कर बातों को फिर से वही क्यों लेकर आते हो? रुको जरा, तुम्हें मार डालूंगी तो ही चैन से जियोगी। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ भाई, ये मेडिकल कैंप की नहीं मिलिट्री कैंप की लगती है, बच्चे की जान लोगे क्या? भाई जरा तुम ये पकड़ो तो, अभी मैं सबको बताता हूँ। अरे मुझे यहाँ अकेले छोड़ के तो मत जा। क्या हो माँ जी? डॉक्टर बेटी, मेरे पति बहुत दिनों से काफी बीमार चल रहे हैं, तुम घर में आकर उनका इलाज कर दोगी? आइए चलते हैं। ए, तुम कहाँ आ रहे हो? पेशेंट्स को फ्रूट देने के लिए जा रहा हूँ, मना नहीं करना, पाप लगेगा। इडियट। तेरे हिसाब से मैंने फोटो अपलोड कर दिया है, लेकिन ये गलत है यार। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार में सब कुछ चलता है, दौड़ता है, भागता है। तू अपना काम कर बे। थैंक यू। प्लान सक्सेसफुल। फिर देर किस बात की, फोन लगाओ, किसी को बुलाओ, प्रोग्राम स्टार्ट। फिनिश। क्या रे, किसके साथ चैटिंग कर रही है? चैटिंग नहीं यार, मेरा फोन पुराना हो गया है, मैं सोच रही हूँ उसे ऑनलाइन बेचकर नया फोन ले लूँ, उसे ही अपलोड कर रही थी। ये अपना फोन बदल रही है, इसका मतलब बॉयफ्रेंड भी बदल रही होगी। तुझे क्या है, तू चुप रह ना। मैं जानती हूँ। फोन रिंग हो रहा है, शायद कोई बायर होगा। हेलो गीता, या आप कौन? ऑनलाइन आपका एड देखा था मैंने। ओ, देख भी लिया, रेट फिक्स है। हाँ ये क्या यार, ये तो रेट फिक्स बोल रही है। ऐसा क्या, इस पे कराऊं फटाफट। एक मिनट, मतलब अभी बजट का प्रॉब्लम है, अभी थोड़ा रेट कम करो ना। नहीं, फुल टच है ना, एक रुपया भी कम नहीं होगा। बाप रे, हम उन्हें शौक देने वाले थे, वो तो हमें ही शौक दे रही है। उसकी लग्जरी लाइफ देख करके ही मुझे शक हो गया था। ये तो बड़ी बात कर, बात कर। एक मिनट, अच्छा 1000 तो कम कर दो ना प्लीज। नहीं नहीं, मार्केट वाला ही रेट बोल रही हूँ, चाहिए तो इंक्वायरी कर लीजिए। बाप रे, मार्केट वाला रेट बोल रही है, मतलब ये ऑलरेडी मार्केट में है, ये तो बहुत चालू है। बात फाइनल कर ले, फिनिशिंग टच दूँ? क्या दूँ यार, वो ही मेरे साथ खेल रही है। ओके, आपने जो रेट मांगा मैं वो दे दूंगा, तो आज नाइट को सीन फिक्स करें। आप ये क्या बोल रहे हैं, फोन के बारे में बात कर रहे हैं ना? फोन मतलब, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। मेरे बारे में? चप्पल से मारूंगी। कौन है तू जो फोन करके मुझे परेशान कर रहा है? बहना, सॉरी बहना, लगता है मूड ठीक नहीं है, बाद में बात करते हैं। हेलो, डिस्कनेक्ट कर दिया। क्यों रे, क्या हुआ? कोई बदमाश मुझे फोन करके मेरा रेट फिक्स कर रहा था। कह रहा था कि मैंने ऑनलाइन अपना फोटो अपलोड करके अपना रेट फिक्स किया है। व्हाट, कहीं ऐसा तो नहीं फोटो पिक्स के बदले में तुमने अपनी पिक्स डाली हो? नहीं यार, फोन की ही पिक्स डाली है। पहले वो साइट ओपन कर। ए, पहले वो आईडी चेक कर, किससे लगाया होगा। ये तो करण का है। करण? हमारी फोटोज के साथ साथ अपनी फैमिली की फोटो भी लगानी चाहिए थी। मैंने तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया तो तुमने मुझे पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया। हाउ चीप। ये तुम क्या कह रही हो? शट अप। जब भी तुम सामने आते थे तो तुमसे प्यार करूं या नहीं इस बारे में मैं कंफ्यूज थी, मगर तुम्हारे जैसे लोगों के बारे में मैंने जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लिया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। स्वाति, लाइफ में अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। अगर फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश की या फिर बात करने की कोशिश की ना, तो तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, अपने नस काट के मर जाऊंगी। आई हेट यू, आई हेट यू। Thank you.
ये भाई क्या हुआ रिसे? चल जाने दे भाई, लड़की और मौसम एक जैसे होते हैं, देखा ना कब रंग बदल दे पता नहीं चलता। नहीं यार, उसका गुस्सा कुछ अलग वजह से है शायद। हेलो, क्यों भाई गाल लाल हो गए ना? कुछ नहीं भाई, तेरे बारे में एक मिनट सोचा। ऑनलाइन तेरी फेक आईडी से स्वाति और उसके दोस्तों की फोटो डाली और तेरी लव स्टोरी खत्म। इस बासु से पंगा लेने का मतलब है कि नरक की एंट्री टिकट ले ली बेटा। जाके चुपचाप पिज्जा बेचता रहे। पिज्जा ले लो पिज्जा। अबे फोन रखना। क्या आइडिया है बाबा तेरा, मस्त है यार। साहब, साहब जी, सर सर सर, अर्जेंट कॉल है सर। नॉट इट, मेरे नहाने तक थोड़ा सा रुक नहीं सकता क्या? चल आजा। अरे आजा ना, अरे सर मेरा हाथ। अरे आजा, अरे फिस हो गया। आना आना, अरे आना, अरे नॉट इट बॉय, आजा ना, चल अंदर आजा, आजा आजा आजा, आना। सर आप बाहर आइए ना सर। अच्छा मैं बाहर आ जाऊँ? अरे वाह, तू मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहता है? ऐसा कोई शौक नहीं सर मेरा, पहले आप ये वीडियो तो देखिए। कैसा वीडियो? मेरा वीडियो निकाल कर जॉन अब्राहम को भेजेगा क्या? जॉन अब्राहम को भूल जाइए सर, ये आपका वीडियो है, बाहर आइए और इसे देखिए सर। मेरा वीडियो आया है, किसने भेजा होगा जरा मुझे दिखा तो। मार डालूंगा। अब बचा ही क्या? जानता था डार्लिंग तुम मुझे कॉल करोगी। सर नमस्ते, दिल कैसा है? हे कौन है बे तू? वो वीडियो तुझे कहां से मिला? आई एम डॉक्टर हर्ष, सूर्य फाउंडेशन। उस वीडियो को शूट करने वाला कैमरामैन मैं ही हूँ, ऑल कॉपीराइट अंडर माय कंट्रोल। सुन ले, टॉम एंड जेरी का खेल खेलने के लिए मैं तेरा मामा नहीं हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ। आज शाम होने से पहले वो वीडियो मेरे पास भेज दे, नहीं तो उठा लूंगा, काट दूंगा, मार दूंगा, ये सब रूटीन डायलॉग्स है। अरे तू चाहता क्या है यार? बस 10 करोड़ मुझे दे दीजिए। 10 करोड़ चाहिए? तेरे बाप ने मुझे 10 करोड़ दिए हैं जो मैं तुझे दे दूंगा। खैरात बट रही है क्या जो तू भी लाइन में खड़ा है? देखिए मिनिस्टर जी, उस वीडियो की कीमत मुझसे ज्यादा आपको पता है, अगर आपको नहीं चाहिए तो उसके कॉपीराइट यूट्यूब को दे देता हूँ। जैसे जैसे उसके लाइक्स बढ़ेंगे आपकी पॉपुलैरिटी और मेरे पैसे दोनों बढ़ते जाएंगे। देखो बेटा, वो ट्यूब और टायर में डालने की चीज नहीं है, घर पर आकर पैसे ले जाओ और वीडियो दे जाओ। क्या बात कर रहे हैं, मैं आपके घर में आकर अपने पैसे ले जाऊं? आपका दिमाग लगता हूं क्या? आज ठीक रात के 9 बजे अपने बंदे को पैसे के साथ रेन पब में भेजो, और लेट हुआ तो। खैर आपका दिल कैसा है, संभाल कर रखिए उसे। पहले चाकू से काट और उसके बाद उस पर मलहम लगा, थू, संभाल कर रखना, संभाल कर। थैंक यू डार्लिंग। अरे छी, जिस लड़की से प्यार किया उसका वीडियो निकालकर नेट पर डालने की धमकी दे रहा है, उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है यार? इसका जल्दी से कोई इलाज कर। तो फिर मुंबई के माफिया डॉन को फोन करूं क्या? तू हमेशा गलत ट्रैक पर जाता है, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए चीते की तरह चालाकी से झपटना पड़ेगा। चीता मतलब रामार्जुन, टाइगर मतलब करण देव, किसको बुलाऊं? तू इन गीदड़ों की बात मत कर, उनसे भी एक बड़ा है। कौन है सर वो? घंटा, टाइगर घंटा, उसकी आंखों में बिजली के झटके हैं। उसकी चाल में शेर जैसा दम है। जब वो बैठता है तो शहंशाह लगता है रे। अगर उसे टोटल मिलाकर कहूं तो वो एक सुपरमैन की तरह है। बॉस। नमस्ते घंटा साहब। नमस्ते। चाय कॉफी कुछ लेंगे क्या? शेर कभी चाय कॉफी नहीं पीता बे। तो फिर एनर्जी के लिए रेडबुल पियेंगे क्या? रेड बुल को मुझसे एनर्जी मिलती है, इसे ले जाके म्यूजियम में रखना चाहिए। बॉस, बे आर यू बॉस? ए घंटा, तू आ गया।
तुझे देखकर कितने दिन हो गए तेरे। कैसे हो बॉस? घंटा बॉस, कैसे हो? घंटा छोड़ो, ऐसा क्यों पकड़ रहे हो बॉस? घंटा क्या कर रहे हो? क्या है रे, तू बिल्कुल सलमान खान की तरह चमक रहा है। स्टाइल बदल दी क्या? मैंने तो स्टाइल ही बदली है, लगता आपने तो जेंडर ही बदल लिया है। नाटी, अब सर को रोकना पड़ेगा, नहीं तो एक घंटा का घंटी बजा देंगे। पूरी नायडू जिंदाबाद। कौन है बे? मार डालूंगा। बॉस, ये ऐसे क्यों चिल्लाया? वो बचपन से मेरी पार्टी का कार्यकर्ता है, पीए बनने के बाद भी ऐसे ही करते रहता है, अभी तक उसकी आदत गई नहीं। आई हेट साउंड पॉल्यूशन। अच्छा, आपने मुझे क्यों बुलाया? कुछ नहीं घंटा, ये पूरी नायडू एक जंगल का शेर है, ये जाने बिना एक बेवकूफ आदमी मेरा वीडियो बनाकर मुझे फोन पर ब्लैकमेल करता है और 10 करोड़ रुपए मुझसे मांग रहा है, कुछ भी करके। वो वीडियो उसके सेल फोन से निकाल कर मुझे दे दो। 10 करोड़? तो ऐसा उस मोबाइल में क्या है? सर का बीएफ है। क्यों बे पीए? बहुत बोल रहा है, चमड़ी उधेड़ दूंगा। आपसे मजाक क्यों करूंगा सर, बीएफ का मतलब वो वाला नहीं, ब्राइट फ्यूचर। समझ गया, रेट आप फिक्स करो, डील मैं फिनिश करता हूँ। अरे भाई रेट की बात मत कर, सेल फोन का 1 करोड़, उसकी जान का 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए दे दूंगा। घंटा, घंटा के साथ कमिटमेंट करने का मतलब इस रिवॉल्वर से निकली हुई गोली की तरह है, एक बार जो निकल गई वापस कभी नहीं जाएगी। अच्छा बताओ, उससे कहाँ मिलना है और कब मिलना है? वो तुझे बता देगा। रेन पब में रात के 9 बजे। नो 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 नो। क्या हुआ घंटा, क्यों चिल्ला रहा है? मेरा दिल सीने से निकल कर बाहर आ गया। कोई भी डील इवनिंग 6 बजे तक क्लोज हो जानी चाहिए, ये घंटा का रूल है। ये कौन सा रूल है, गवर्नमेंट जॉब की तरह? मैंने रात की बात की तो तू जोर से चिल्लाने लगा, रात से घबरा रहा है, कहीं तुझे रतौंधी की बीमारी तो नहीं है? शट अप। किसने कहा ऐसा तुमसे? मुझे वीक करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की उड़ाई गई अफवाह है वो। भाई डील बहुत बड़ी है, मान लो, सारी चीजें मैं मैनेज कर लूंगा। ऐसा बराबर रहेगा ना? ऐसा होने नहीं दूंगा। ओके बॉस, 9 बजे की डील है ना, 9:30 बजे मैं फोन करूंगा डेड बॉडी के साथ। उतरो जल्दी जल्दी, संभाल के उतरो उतरो, संभाल के। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई मैंने क्या किया, क्यों मार रहे हो? हॉस्पिटल के पेशेंट की तरह मुझे क्यों पकड़ा है बे? आपको रतौंधी है ना भाई, इसीलिए मैनेज कर रहा था मैं। मैनेज करने का मतलब ऐसे उठाना नहीं है बे, सिचुएशन के हिसाब से मुझे और मेरे एक्शन को कंट्रोल करना है बे, ब्लडी फूल्स। हेलो घंटा। कौन बोल रहा है? डॉन घंटा बोल रहा हूँ, मिनिस्टर ने भेजा है। जितने मांगे थे उतने पैसे लाए हो ना? तूने जितना मांगा है ना उससे 5 रुपए ज्यादा ही लाया हूँ, तुझे कैसे पहचानना है बोल। मुझे पहचानने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी एक फोटो व्हाट्सएप कर दो, मैं आकर तुमसे मिल लूंगा। ए, लाइफ में तू फर्स्ट टाइम पार्टी दे रहा, तो मैंने सोचा कि पकौड़े खिलाएगा, लेकिन पब में पार्टी देगा ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था यार। hey, मुझे ही थैंक्स कहना चाहिए, उस करण को कट करने के लिए तुम लोगों ने मुझे कोऑपरेट किया। hey, जितना भी खाना है खाओ पियो, लाइफ को एंजॉय करो। yes, एक एक पे 200 रुपए खर्च करूंगा। दो सौ रुपए? अरे सुन तो, क्या हुआ? अरे पब में आकर 200 रुपए की बात कर रहा है तू, जैसे मर्सिडीज में बीड़ी पीना हो। अरे तू यार है, अरे यार क्या मस्त लड़कियां हैं। अरे वाह, आ गया यार। आहा, आहा, आहा। अरे भाई। हाँ बोलो। सुन, वासु अपने गैंग के साथ रिन पब आया हुआ है। मैं आ रहा हूँ, आज मरेगा मेरे हाथ से वो। लटके मेरे हैं, सुन ले रहे
की रासे होश उड़ाए लटके मेरे हिसाब कर लेगा क्या? हिसाब करने की जरूरत नहीं है, मिनिस्टर अच्छी तरह से जानता है। फोन दो। भाई ये क्या हो रहा है भाई? फोन देने से पहले गोली क्यों चलाई उसने? अपना आदमी नहीं है भाई। जैसे शादी में फोटोग्राफर की प्रॉब्लम रहती है, वैसे मर्डर के प्लान में शूटर की प्रॉब्लम क्यों बे? घंटा हूं मैं, मुझसे पंगा मत लेना। स्वाति और मेरे बीच गलतफहमी क्यों पैदा की? हाँ? तुझे बोला था कि स्वाति का पीछा छोड़ दे, इसलिए मैंने ये सब किया। मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ, समझा? स्वाति किसी और की नहीं हो सकती। जब मैं चड्डी पहनता था तब से मैं स्वाति से प्यार करता हूँ। ब्रदर प्लीज। क्या हुआ? मुझे बचाओ। अरे बाबा मुझे मार डालेगा। क्या हुआ? कौन है ये? वो मुझे मार देगा ब्रदर, प्लीज सेव मी। बॉस मैं क्या कर सकता हूँ? अरे रे 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 ब्लड, क्या सुपर एक्टिंग है भाई, कोई शूटिंग चल रही है क्या? प्लीज सेव मी, ये लो। हाँ ठीक है ठीक है, गाड़ी में बैठ। अरे अरे अरे, इतना बड़ा सेटअप उस स्वाति के लिए? अरे वाह वाह, क्या बढ़िया एक्टिंग है। प्लीज ब्रदर। अरे वो तो असली गोली चला रहा है। अरे आ रहा है वो, जल्दी भागो और तेज। अरे जल्दी करो, अरे मर जाऊंगा। अरे जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अरे वो सामने से आ गया, बचाओ बचाओ। ये कौन है? ए फोन दे दे मुझे। फोन के लिए इतनी गोलियां चला रहे हो? लीजिए ना भैया, लीजिए। विद्या बालन फोन। विद्या बालन फोन? विद्या बालन का फोन हमारे पास क्यों रहेगा? वो अपना फोन अपने पास रखेंगे ना भाई। हाँ। हमसे क्यों पूछ रहे हो? या मर गया। खून है, बाप रे। मर जाऊंगा। घंटा हूँ मैं। भाई भाई चलो 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 जल्दी। चलो चलो चलो। करण जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो यार। बॉस बॉस बहुत दर्द हो रहा है करण, जल्दी चलो।
जल्दी करो करण, प्लीज करण। बॉस बॉस बॉस, मर गया करण 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 सर। क्या हुआ? हर्षा इज डेड सर। दैट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट, वो फोन लेकर आना। वो फोन नहीं मिला सर। व्हाट? कैसे नहीं मिला? ऐसे कैसे नहीं मिला इडियट? अगर वो फोन किसी और के हाथ लग गया ना तो माय फ्यूचर लाइफ एवरीथिंग विल बी लॉस्ट, मैं बदनाम हो जाऊंगा। ढूंढो उस फोन को, ढूंढो। आई वॉन्ट दैट फोन एट एनी कॉस्ट। ओके सर। गेट दैट फोन यू इडियट। अबे किसने इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी बीच में? अरे ये गाड़ी किसकी? हटाई सही यहाँ से। चले अरे तू हट ना, ये तो बॉडी बिल्डर है क्या? वो पिला रहे भाई, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सुन यार, यार मैं अपने लिए नहीं पीता हूँ, अपनी लवर सलोनी के लिए पीता हूँ। किसी फिल्म की हीरोइन से ज्यादा खूबसूरत है सलोनी। डेंगू मच्छर के काटने से मेरी सलोनी मर गई यार, तब से मैं और ज्यादा पीने लग गया हूँ। इस दुनिया में मेरे जैसा अनाथ आशिक नहीं होना चाहिए। किसी की भी लवर मच्छर काटने से ना मरे, इसलिए मैंने एमएनसी के एचआर जॉब से रिजाइन करके म्युनिसिपैलिटी में मॉस्किटो मैन का जॉब ज्वाइन कर लिया। अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ठीक है भाई। सलोनी, तेरे बिना मेरी जिंदगी बिना धुएं के धूम्रपान हो गई है। मैं मेरे जैसा अन्याय किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। दुनिया के किसी भी कोने में कोई मच्छर होगा तो उसकी मैं सफाई कर दूंगा, मच्छर को मारूंगा, दुनिया से मच्छर साफ कर दूंगा, सबको धूल चटा दूंगा। स्वाति, स्वाति उठो, स्वाति ए उठ। कौन है? क्यों आया है ये? क्या यार? स्वाति दरवाजा खोलो। क्या है? वासु, वासु क्या किया इसके साथ? मैंने क्या किया? पहले अंदर तो आने दो। हुआ क्या है ये तो बताओ। हाँ बताऊंगा, सब बताऊंगा, पहले इसका ट्रीटमेंट करो। संभाल संभाल कर वासु, गेट द मेडिकल किट। कार को पूरी तरह से चेक किया कि नहीं? किया था, लेकिन उसमें नहीं था। मेरा शक उन दोनों पे है जो उसके साथ थे। मुझे पूरा यकीन है फोन उन्हीं के पास होगा। क्या? कौन दो लोग? और दो लोग कौन है ये लोग? नहीं पता सर, पहले उन लोगों को मैंने कभी नहीं देखा है, इसलिए उन दोनों को मैं ठीक से पहचान नहीं पाया। शिट। तू प्रोफेसर है ना? प्लान करके लेसन पढ़ाता है ना? ब्रेडी यू आर अ प्रोफेशनल किलर मैन। उन दोनों को देखते ऑन द स्पॉट खत्म कर देना था। खत्म कर देता उन्हें, लेकिन मिनिस्टर के आदमी ने वहां पे आके सारा खेल बिगाड़ दिया। अब ये मिनिस्टर बीच में कहां से आ गया? पब्लिक फंक्शन के लिए जैसे वो भीड़ इकट्ठी करते वैसे उसने गुंडे पाल रखे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक डॉक्टर की कार लग रही है। लेकिन हुआ क्या है हमें भी ठीक से अभी पता नहीं। हटो हटो हटो, हटिए प्लीज, जाने दीजिए। सर, आई एम सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र वर्मा, वेलकम टू हैदराबाद सर। क्या है ये? लोग बुके देकर वेलकम करते हैं और तुम इस डेड बॉडी से वेलकम कर रहे हो? इस मरे हुए इंसान का कुछ डिटेल पता चल पाया है? चेक किया तो उनके वॉलेट से आईडी मिला सर। हाँ, ये सूर्य फाउंडेशन में डॉक्टर का काम करते हैं। डॉक्टर? 5.7 mm, हाईली प्रोफेशनल,
फायरिंग यहाँ पर नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर मुझे ग्लास का कोई टुकड़ा नहीं दिख रहा। उनके फोन पर लास्ट कॉल किस डेट को आया था ये आपने चेक किया? उनके पास कोई फोन नहीं था सर। कोई फोन नहीं था, कहीं गिर गया होगा। Nothing happens by accident. Everything is planned in a crime. One person injured. It is right shoulder. कार किस डायरेक्शन से आई ये सीसी कैमरा से चेक करो। From here to there. Okay, all sir. Cameras. Immediately. What next, sir? What next? मैं कहाँ हूँ? मर गया, नरक में है तू। मैं नरक में हूँ, तू भी है क्या? मैं बस तुझे ड्रॉप करने आया। इतनी कम उम्र में मर गया मैं? वासु, वासु उठ गए तुम? मतलब मैं जिंदा हूँ क्या? कैसा लग रहा है? साथी। लेकिन हुआ क्या था? इसको तो फंसाऊंगा मैं। रात को ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेन पब में डांस कर रहा था। तुमने स्वाति के साथ ऐसा क्यों किया? बस यही पूछा था मैंने। ए, तुम चुप बैठो। वासु तुम बताओ। देखो इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे बहुत मारा है स्वाति। मैं सब जानती हूँ स्वाति। जब मैं भागने लगा तो इसने गन से शूट कर दिया मुझे। पीछे से गोली चलाई तो तुझे आगे कैसे लगा? मैं सब जानती हूँ। तुम भी चुप करो। सुबह से लेके मैं सब जानती हूँ, सब जानती हूँ। बोल बोल के मेरा दिमाग खराब करके रखा है। जरा टीवी ऑन करो। क्या हुआ? ये ऐसा घबरा के बोल रही है तो कोई ब्रेकिंग न्यूज होगी। ऑन करो। चल बल्कि हर्षा मर गया है। हर्ष? व्हाट? ओह गॉड। रेन पब में शूटआउट हुआ दारू के नशे में, जिसमें दो गुटों ने एक दूसरे पर गोलियों की बौछार कर दी। इस घटना में एक डॉक्टर ने अपनी जान गंवाई। मिली जानकारी के अनुसार इनका नाम हर्ष है। ये सूर्या फाउंडेशन के डॉक्टर हैं। इनकी मौत गैंगवार में हुई है या पर्सनल रंजिश है, इसकी जांच पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है। सीनियर इंस्पेक्टर नीलकंठ ने कहा है कि जुर्म चाहे किसी ने भी किया हो और चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मुजरिम कानून से बचकर नहीं भाग सकता। हर्ष कैसे मर सकता है? आखिर उसके दुश्मन कौन हो सकते हैं? तुम इसे जानती थी? वो मेरे साथ काम करता था। इसे ही बचाने गया था, तभी तो ये सब हुआ। सर, सीसीटीवी फुटेज रेडी है सर। प्ले। सेकंड कैमरा। Back, 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 stop. ये लोग कौन हैं? तुम्हें कुछ तो आइडिया होगा। मैं इससे फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ सर। इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो। यस सर। दरअसल गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मिस्टर नीलकंठ। ये है मिनिस्टर नायडू जी और ये है सूर्या फाउंडेशन के डॉक्टर। अपना परिचय का कार्यक्रम बंद करो। यहाँ हमारी कहानी कुछ और है और तुम अपना गाना कुछ और गा रहे हो। क्यों, मेरी बेटी इनके घर में जाएगी या इनकी बेटी मेरे घर में आएगी? अच्छा मेरी बात सुनो ऑफिसर, ये बताओ वो डॉक्टर के केस में कहाँ तक पहुँचे तुम? दो लड़कों को आइडेंटिफाई कर लिया है सर, उन दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। अब ये बात डॉक्टर और उन लड़कों के बारे में बिल्कुल नहीं है, उनके पास जो फोन है उसके बारे में है। सर देखो नीलकंठ, तीन लोगों का एक गैंग है, रिच फैमिली की लड़कियों को ट्रैप करके उनका वीडियो बना के ब्लैकमेल करते हैं और यही उनका काम है। शायद उन लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ और वो डॉक्टर के मार के फोन लेके चले गए। अगर फोन पब्लिक के पास पहुंच गया या मीडिया के हाथ लग गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, लड़कियों के परिवार वालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए उन लोगों को किसी भी रॉबरी केस में फंसा के उनका इनकाउंटर कर दो। ओके सर। और फोन को हासिल करके मुझे सौंप दो। सर बैठो। ए, गाने बंद करके न्यूज चैनल लगाओ। हर्ष को किसने मारा होगा न्यूज में दिखा रहे होंगे। आज के मुख्य समाचार ये है कि डॉक्टर हर्ष की हत्या के केस में गुनेगारों का पता चल चुका है। इस केस की इंक्वायरी करने वाली पुलिस ने गुनेगारों का नाम मीडिया को दे दिया। जल्दी है। बताया, टेंशन हो रही है। इस फोटो में जो दिखाई दे रहा है उसका नाम है करण। डॉक्टर की हत्या के साथ इसने और भी खून किए हैं, ऐसी पुलिस इंक्वायरी में पता चला है और इसकी तलाश में पुलिस पूरी तरह से जुट गई है। देखा स्वाति, डॉक्टर को इसी ने मारा है और भी खून किए इसने, बहुत बड़ा खूनी है ये स्वाति, तुरंत पुलिस को फोन करना चाहिए। पुलिस ने बताया है कि इस हत्या में एक और शख्स शामिल है जिसका नाम है वासु। इसने मना के साथ साथ 10 बलात्कार भी किए हैं, लेकिन अब तक पुलिस को धोखा देकर पूछा जा रहा है ऐसा।
मैं 10 फ्लॉप कर कैसे करूंगा? अरे वाह, 10-10। इसने 10 रेप किए हैं, अपनी फ्रेंड्स को संभाल के रखना, समझी? आतंकवादियों के साथ भी कोई संबंध हो सकता है? हंस क्यों रहे हो? अरे हंसू नहीं तो क्या करूं स्वाति, मेरे और इसके बारे में इन लोगों ने जो कहा है वो हम 10 जन्मों में भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने तो रात को ही तुमसे कहा था कि अभी जाकर पुलिस को बता दो कि सब सच क्या है। हाँ, हम पुलिस के पास जाते और वो हमें झूठा केस बना के फंसा देते। ये वासु का गैंग है और ये करण का गैंग। हम गैंग से नहीं है सर, हम सिर्फ उसके फ्रेंड्स हैं सर। हम सब तो नीति और नियम के आईना की तरह है सर। आईने या सूरत की कहानी मुझे मत सुनाओ। आईना है तो टूट जाएगा और सूरत है तो सामने आ जाएगी। वो सच बोल रहा है सर, करण के ग्रुप वाले ऐसे नहीं है सर। चुप कर रहे हैं। तो फिर ये काम किसका है? ये हत्या तो पक्का वासु ने की होगी सर। हमेशा वो बड़ा गुंडा बनने का सपना देखता था सर। आज हर पेपर में, टीवी में अपने दोस्त का फोटो देख रहे हैं तो हमें बहुत गर्व हो रहा है सर। गेट अप, जरा क्या हुआ सर? वासु को कॉल करो। मेरे फोन में बैलेंस नहीं है सर। है सर। और कितने दिनों तक तुम छुपे रहोगे? हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अरे कौन फोन कर रहा है इस समय? हाँ बोलो। स्पीकर ऑन। स्पीकर ऑन। ए वासु, कांग्रेस यार। किस लिए भाई? अरे कहीं भी देखो कहीं भी सुनो तुम्हारी बात हो रही है यार। अपने बैच में तो तू ही हीरो बन गया है। कैसे मारा तूने उसे यार? अरे कुछ नहीं यार, एक छोटा सा क्लैश। मारने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे मजाक मजाक में डाल दिया उसे। अरे घबराओ मत, तेरे दोस्त का फोन आया है। पुलिस से डरने लगता तुझको? पुलिस? पुलिस मेरा क्या करेगी? बासु का नाम सुनते ही पुलिस की पैंट गीली हो जाती है। ए, अब जाकर। तुमने सही बोला। ए, तेरा टोन कैसे बदल गया? टोन नहीं बदला है, बदलेगा तेरा फेट। कौन बोल रहा है अभी? CI नीलकंठ। CI साहब, गुड मॉर्निंग सर। मुझे पता नहीं था इसलिए ऐसा बोल दिया। क्राइम से हमारा कोई संबंध नहीं है सर। ईमानदारी से अगर तुम दोनों ने सरेंडर कर दिया तो सिर्फ तुम दोनों का ही एनकाउंटर करूंगा, नहीं तो तुम्हारे सारे दोस्त जाएंगे। सबको मार दीजिए, वो सब धरती के बोझ हमें छोड़ दीजिए सर। तू किससे बात कर रहा है? CI नीलकंठ। इधर ला फोन। सर मेरी बात सुनिए सर, इन लोगों का इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। सर अगर आप कहें तो इन दोनों को मैं अभी आपके पास लेकर आती हूँ। ठीक है, तो जगह का नाम मैं तुम्हें SMS कर देता हूँ, तुम लोग वहीं पर आकर मुझसे मिलो। बाप रे, यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। ऐसा लगता है यहाँ इंसान नहीं भूत घूमते होंगे। अरे बाप रे, पूरे शहर में कोई और जगह नहीं मिली क्या? यहाँ पे क्यों बुलाया है हमें? ये जगह देख के ऐसा लग रहा है हमारा एनकाउंटर करना चाहता है। क्राइम पेट्रोल में मैंने ऐसी जगह देखी है। एक मिनट। हाँ माँ। ए तू कहाँ जा रहा है? ये टीवी में कैसी न्यूज चल रही है? तूने सच में कुछ किया है क्या? टीवी वालों ने मेरे बारे में सब झूठ दिखाया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा, तुम्हें एक बार अपने पापा से बात कर लेनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, तुम टेंशन मत लो माँ। सुनो माँ, पुलिस वाले आ रहे हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। मेरी बात तो सुन। बाप रे, ये कौन है? एकदम भूत राज की तरह लग रहा है, लगता है हमारी बलि यही चढ़ाने वाला है। पुलिस को देख के हाथ क्यों उठा लिया? उठाया कहाँ, अपने आप उठ गई यार। नीचे कर। हेलो सर, कैसे आप? क्यों बे? सोचा था कि मर्डर करके भागोगे और हम पकड़ नहीं पाएंगे। मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। सिनेमा में मर्डर का सीन देख करके डर के मारे आँख बंद कर लेता हूँ सर। हाँ, मेरे कान के ऊपर तुम्हें फूल दिख रहा है क्या? नहीं सर, कहीं गिर गया होगा सर। मुझे बात करने दो सर, इस मर्डर से इनका कोई लेना देना नहीं। हाँ, सर। Who are you? इनसे तुम्हारा क्या संबंध है? मेरी फ्रेंड है सर। मेरी लवर है सर। है, मेरी फ्रेंड है। अपनी लवर क्यों बोल रहा है? स्टॉप इट। सर मैं सूर्या फाउंडेशन में डॉक्टर हूँ सर। परफेक्ट, जो मरा है वो हॉस्पिटल का डॉक्टर है, इनसे तुम्हारा रिलेशन है। इनसे ऐसा वैसा कोई संबंध नहीं है, ये क्लियर दिख रहा है। हर्ष का फोन कहाँ है? पहले वो विद्या बालन का फोन मांग रहा था, आप हर्ष का फोन मांग रहे हैं। देखिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे फोन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम ऐसे नहीं सुनोगे। सर ये गन पे हल्दी कुमकुम क्यों लगाया सर? हर शुभ कार्य से पहले पूजा की जाती है और पुलिस वालों के लिए एनकाउंटर करना शुभ कार्य होता है, इसलिए मंदिर से पूजा करवा कर आया हूं। देखा साथी, मैंने पहले ही कहा था कि हमारी बलि चढ़ाएगा। कौन कहा? कसम सर, मैं किसी फोन के बारे में नहीं जानता। क्या हुआ सर? गोली नहीं चली, बंदूक खराब हो गई है क्या?
मैगजीन डालना भूल गया था। अब चलेगी गोली। बोल, नहीं तो गोली मार दूंगा। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है सर। मारना है तो मुझे मारिए, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, तू ही मर। ये ले। करोड़ की डील है, इन लोगों को मेरे हवाले कर दो। तू कौन है? मेरा इंट्रोडक्शन देखकर मुझे जानने के लिए इंटरेस्ट ले रहे हो ना? मैं वही हूँ, डॉन घंटा डॉन। घंटा डॉन? शौचालय के काउंटर में बैठने वाला दिखता है तू, तो फिर डॉन कैसे हो गया? इंस्पेक्टर, पावर हाथ में है तो पंच डायलॉग मत मार, नहीं तो मेरे हाथ से गोली चल जाएगी। सर, मैंने किसी को गन नहीं लगाई है, मैं जा सकता हूँ सर? मार दूंगा। मैटर मेरे संबंध का है, छोड़ दो इन्हें। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो। देखते हैं। देख लेना। देखते हैं। देख लेना। एक घंटा? कितने घंटे खड़ा रखेगा? वो 2 करोड़ मैं देता हूँ ना तुझे, तू यहाँ से चला जाए। इंस्पेक्टर, मुफ्त में तो मैं कोई भी चीज नहीं लेता, चाहे वो सनी लियोनी क्यों ना हो, मुझे नहीं चाहिए। देख लेना, देख लेना, देख लेना। कितने दिनों तक रुकेगा तू? मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। मैं भी नहीं हिलूंगा। तो 1 दिन रुकेगा तो मैं 2 दिन रुकूंगा। मैं 4 दिन, 6 दिन, 8, 10 दिन, 12, 14 दिन, 16, 18 दिन, 20, 22 दिन, 26 दिन। घंटा, पुलिस वालों की टेस्ट लेने को मत सोचना। ए नीलकंठ, इस घंटा डॉन को भी कम समझ रहा है। अरे गाड़ी रोक, पेट खराब है मेरा, जल्दी कर, पेट गुड़गुड़ कर रहा है। रोक 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 दे, नहीं तो गाड़ी खराब हो जाएगी। हिम्मत करना, बोला नहीं था? पता नहीं कैसे कैसे क्या खिला देते, पेट गड़बड़ कर दिया। जल्दी कर। ये जीप किसकी खड़ी है? ओ शायद जीप से बाहर निकल के कोई यहाँ भी करने आया। मैं भी कौन है यार, ये लोग मुझे आराम से बैठने भी नहीं देते। बोलना पड़ेगा कि हट जाओ यहाँ से, मुझे फ्रेश होने दो। कौन है ये लोग, कर क्या रहे? ये सो रहे हैं कि जग रहे हैं? ये उठो रे, उठो सारे के सारे, मारो तुमने। चल क्या रहा है भैया? सीरियल है क्या? सिनेमा की शूटिंग चल रही है भैया। सिनेमा की शूटिंग? सिनेमा शूटिंग चल रही है? अरे मोहन सोहन चांद मल्लिका जल्दी आओ। अरे अच्छा हुआ उस लोटे वाली की वजह से आज हम बच गए, नहीं तो वो गैंडा इंस्पेक्टर हम दोनों को काट कर आधा आधा पूरे स्टाफ में बांट देता। चुपचाप गाड़ी चलाना। अरे बाप रे, ये कौन है? आसमान से गिरे खजूर पेट के। ये तो मेरा दुपट्टा क्यों ले लिया? इतने वायलेंस में रोमांस कैसे कर रहा है यार? तुम्हारी सैंडल दो। सैंडल क्यों चाहिए? दे दो, दे दो। तुम्हारा दुपट्टा भी उसके पास है, अपनी चप्पल भी उसे निकाल कर दे दो। गोलियों की आवाज से मेरी जान निकल रही है और इसके दिमाग में खुराफात चल रहा है। चल 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 जल्दी चल। अरे ओ, गन पकड़ी हुई है। दिन में गन पकड़ी हुई मतलब तू भी सिनेमा से है ना? चल आजा, लिफ्ट दे देता हूँ। गाड़ी क्यों रोक रहे हो? चलो चलो जल्दी चलो। उतरो, गाड़ी क्यों रोक रहा है? क्या हुआ? तूने गाड़ी क्यों रोकी? पेट्रोल खत्म हो गया यार। पेट्रोल तो भराना चाहिए था। हम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने आए थे यार, लेकिन ये सब। अरे इन्फॉर्मेशन देने पर पुलिस वाले पेट्रोल देने वाले थे क्या? दोनों चुप हो जाओ। टेंशन क्यों ले रहा है यार?
ये बासु है ना यहाँ पे। अरे वो किलर हमारे पीछे है, सबको मार देगा। एक टेम्पो वाला आ रहा है, बस अब चुपचाप देखते जाओ कि मैं उससे लिफ्ट कैसे लेता हूँ। लिफ्ट प्लीज। थैंक यू। कम ऑन फॉलो मी। अरे तुम लोग भी शूटिंग वाले हो क्या? हाँ, हाँ, भाई जरा पैर उठाएंगे क्या अपना? अरे ये फिल्म का कौन सा सीन है यार? ये लोग आखिर शूट कैसे कर रहे हैं? मैं तो ये फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा। चलो स्वाति जल्दी करो। कुत्ते की बिस्किट खाकर बड़ा हुआ क्या? कुत्ते की तरह पीछे पड़ गया है। जल्दी स्वाति। स्वाति। चलो जल्दी। हम तो रेस फिल्म की तरह भाग रहे हैं। कितने दिन से मिल्का सिंह को बोल रहे थे कि भाग मिल्का भाग, आज हम लोग को भागना पड़ रहा है। इधर इधर से इधर से आजा। स्वाति एक मिनट, इस पे जा बे। कूदो कूदो कूदो, जल्दी करो स्वाति। इसे यह भी रोमांस सूझ रहा है। स्वाति तुमने क्या किया? तेरी तो, अरे बाप रे। पीछे ही पड़ गए वो तो। पीछे इक्की काज। अरे अरे बाप रे, ये कहाँ आ गए यार? ये कहाँ पहुंच गए हम लोग? ये किसका घर है? मुझे क्या पता, मेरा थोड़ी है। मुंह पे उंगली रख। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ कोई है? चुप रहो। कैसी फोटो लगी यहाँ पे, कैसा घर है ये, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शायद इस वक्त इस घर में कोई नहीं है, भाग भाग कर थक गए हैं, थोड़ी देर यहीं पे आराम कर लेते हैं, फिर देखेंगे। यहाँ कैसे आराम कर सकते हैं? चलो चलो मुझे घर के पास ड्रॉप कर दो। अच्छा मैडम, घर जाओगी? अब तुम भी हमारी तरह सेलिब्रिटी बन गई हो। घर पे जाओ, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। पर मुझे तो घर जाना है। और सब इस गधे वासु की वजह से। ना ये फोटो डालता, ना मैं उस पब में जाता, और ना आज हम सब इस प्रॉब्लम में होते। अगर मैं यहाँ पे फोटो नहीं डालता तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। तुम लोग हनीमून जाते और मैं बच्चा खिला रहा होता। क्या वो फोटो तुमने डाली थी? ये लो। जाने दो स्वाति, छोड़ो भी, जाने दो इसे, माफ कर दो। कूल, रिलैक्स स्वाति, रिलैक्स। एक्सपायरी डेट आ गई है तेरी, अगर तूने किलिंग बंद कर दी तो तू मार्केट से आउट हो जाएगा। वो पुलिस के हाथों से चूक गया, लेकिन तेरे हाथों से नहीं चूकना चाहिए, इसलिए तुझे वहां भेजा था। लेकिन तूने क्या किया, वो दोबारा तेरे हाथों से मिस हो गए, क्योंकि तेरी नेग्लिजेंसी बढ़ गई है और एफिशिएंसी कम हो गई है, और ये दोनों बात ठीक नहीं। तेरे से अच्छा तो वो घंटा है, कम से कम उसे दिया हुआ काम तो वो परफेक्ट करता है। डिजाइनर जैकेट पहनकर कॉस्टली कार यूज करने से नहीं, ये इसे यूज कर। कॉफी तैयार है। कमिंग। तेरी तो नहीं खाना है। स्वाति आओ आओ, बैठो 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 बैठो। स्वाति तुम रिलैक्स कर सको, इसलिए तुम्हारे लिए कॉफी। सॉरी। ये क्या बात हुई, लड़कियां कॉफी देने पर थैंक यू की जगह सॉरी कहती हैं? अच्छा सॉरी, वो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हाँ? और वो भी इस बेवकूफ की वजह से। मतलब मैं बेवकूफ हूँ? फ्रेंड्स भाई, फिर शुरू हो गया तुम दोनों का नाटक। कुछ भी समझ में नहीं आता तुम लड़कियों का, कि किसे कब क्या मान लेती हो। फ्रेंड्स, हमारा रिलेशनशिप तुम्हें फ्रेंड्स जैसा लगता है? फिर लवर्स? लवर्स नो,
तो फिर वाइफ एंड हस्बैंड? वाइफ एंड हस्बैंड? नो। अच्छा तो मम्मी पापा? ए, अबे मम्मी पापा क्या बे? छी। स्वाति पकड़ो उसे, छोड़ना नहीं, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। कहाँ जाता है? रुक रुक। अरे कहाँ? अरे डोर क्यों बंद कर दिया स्वाति? अरे सुनो, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे कोई है? अरे कोई बचाओ स्वाति को। अरे कोई है? दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो स्वाति। कैसा आदमी है यार, किसी भी सिचुएशन में शुरू हो जाता है। सामने तुझको इतना हसी बनाया राम ने, तेरा स्पर्श हौले हौले धड़कन बढ़ाए रे, मेरे लब को तेरा लब ये मिलने बुलाए रे। मुझे अरे अब रिश्ता जुड़ गया तो तुम मेरे साले हुए ना। रिश्ते की ऐसी की तैसी। कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स। कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी जो गले मिल रहे थे वो, हे भगवान, ये सब देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया। कौन है? नो 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 सर, किसी भी हालत में उन लोगों का एनकाउंटर हो जाएगा। ये कैसे हो गया, ये यहाँ कैसे आ गया? भाई तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे हैं, इसे कैसे पता चला? हे भगवान, हमें बचाना, बचाना। Thank you.
नमस्ते हुजूर। हे चिनू, तुम्हें सब डोर बंद करने को कहा था ना, बैक डोर तुमने क्यों नहीं बंद किया? नया घर है ना डैडी, भूल गया? फिर पुलिस के घर में चोर लोग कैसे आएंगे? पुलिस वाले का ही करता क्या? बाप रे, तेरी अरे यहाँ ला करके क्यों फंसा दिया तूने? अरे तुझे यही घर मिला था क्या हम लोग को रखने के लिए? अरे मुझे क्या सपना आया था कि ये पुलिस का घर? अगर मेरा एनकाउंटर हुआ ना तो तुझे ऊपर से आके मारूंगा मैं। चलो। अरे अरे कहाँ जाऊँ? तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टिंग टिंग टिंग। भूत भूत डैडी डैडी भूत भूत डैडी भूत डैडी भूत है डैडी, अंदर भूत है। अरे चलो चलो। क्या हो गया बेटा? डैडी डैडी अंदर भूत है, डैडी अंदर भूत है। भूत? आइए ना डैडी देखिए। देखो यहाँ कोई भी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा था डैडी, भूत यहीं पर था। ए, भूत भूत नहीं होते हैं, सिर्फ डर होता है। ओ डैडी, आप कभी भी मेरी बात नहीं मानते। आए, फिर से एंगेज आ रहा है भाई। चारों एक साथ फोन लगाओगे तो एंगेज नहीं आएगा तो क्या आएगा? तू अकेला कर। हाँ ठीक है भाई। ये ऊपर वाला भी गजब है, इंसान भी बनाया और मच्छर भी। तेरी तो फोन उठाना जल्दी। कभी तो मिलेगा तू मच्छर, तब तुझे धुआ धुआ कर दूंगा। मशीन नहीं तोप गन है मेरी। अरे ये कहाँ से आवाज आ रही है? तुझे स्पीकर अंदर लगाने को बोला था ना, बाहर क्यों लगा दिया? स्पीकर अंदर ही है, पी के ड्यूटी मत किया कर, बोला था ना। अरे हा? लेकिन आवाज तो यही से कैसे आ रही है? गाना देख, उलाला उलाला बज रहा है। हाँ देखा। अरे विद्या बालन, ये किसका फोन है? कौन हमारी गाड़ी में फेंक गया? भाई वो लोग फोन कर रहे हैं भाई, देखिए। ओ भाई तेरा फोन मेरे पास है। ए, सुन, डायरेक्ट डील पे आता हूँ। तुझे जो भी चाहिए वो तुझे मैं दूंगा, लेकिन वो फोन मुझे दे दे। मैं फोन दूंगा तो वो बदले में मुझे कुछ देगा? ये तो कोई भला आदमी लग रहा है, कितनी अच्छी बात कर रहा है। सुबह से मेरा क्लास सूख गया है, एक क्वार्टर मांग लेता हूँ। हेलो भाई, एक क्वार्टर देगा तो सब ओके हो जाएगा। क्वार्टर क्या है बे? अरे भाई उसके आसपास पब्लिक होगी, किसी को उसकी बात पर शक ना हो, इसीलिए क्वार्टर बोल रहा है वो भाई। भाई क्वार्टर का मतलब मालूम है? 25 करोड़। 25 करोड़? पहले पूछा था तो 10 करोड़। हमने उसके ऊपर बिना बोले अटैक किया, उसने बिना बोले रेट बढ़ा दिया, पूछिए उससे। 25 बोलेगा तो बहुत मुश्किल है। चल 10 में फिक्स कर ले। ये क्या बे, 10 ml बोल रहा है? इतना चीप है, उससे तो मेरी जीभ भी गीली नहीं होगी। उसे कम से कम 30 ml तो बोलना चाहिए ना। अरे भाई अगर 30 होगा तो काम हो जाएगा। 30 बोलेगा तो नहीं हो पाएगा। 10 10 10 10। क्या ये क्या, 30 से गिर के 10 पे आ गया तू? मेरी जगह कोई दूसरा होता तो फुल मांगता फुल। ये क्या बे, ये दूसरा होता तो फुल मांगता कह रहा है, ये क्या बात कर रहा है? भाई दूसरा बोलेगा तो हाँ, केवल दो लोग नहीं भाई, उसके और भी लोग हैं, उनको मिलाकर अगर वो डील करेगा तो फुल, यानी कि कुल 100 करोड़ रुपए। ऐसा हमें धमकी दे रहा है भाई। ए, 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 मुझे ही ब्लैकमेल करता है, इस घंटा से टकराएगा तो जान से मारा जाएगा। एक क्वार्टर मांगा तो मारेगा तू? जानता नहीं है मुझे तू? चार मीनार के पास किसी भी गली में आकर तू मेरा नाम पूछ लेना, कोई भी पीने वाला तुझे मेरे बारे में बता देगा। चैलेंज करता हूँ मैं। ए, 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 मुझे चैलेंज कर रहा है? घुमा फिरा कर तूने उस भूतराज के घर में लाकर रख दिया। मैंने एक फिल्म में देखा था कि हीरो हीरोइन के पेरेंट्स को विलन के घर में रखता है, ये एक सक्सेसफुल फॉर्मूला है। ए, ये फिल्मों की स्टोरी रियल जिंदगी में नहीं चलती, तू बिल्कुल सही आदमी नहीं है, तेरे चक्कर में आदमी की जान चली जाएगी। अब मुझे यहाँ से निकलना होगा, अब नहीं रुकूंगा। लेकिन जाओगे कैसे, दरवाजा लॉक है। तोड़ के जाऊंगा मैं, तुम लोग बस देखते रहो मुझे, अभी दिखाता हूँ। बाबू मोशाय, क्या कर रहे हो? अरे जाया से बासों की ताकत। ओके। अरे बाप रे, वो भूत राज आ गया, कहाँ छुपूँ? हाँ ये सही है। ना 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 ना, टिश टिश। भूत 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 भूत। ओ तो ये भूत से डरता है। अभी इसे दिखाता हूँ। डैडी
अबे डैडी के बच्चे आओ डैडी, डैडी आओ ना, डैडी आओ ना प्लीज, डैडी आओ ना, मैंने अभी अभी भूत को देखा डैडी। फिर से तू एक जगह चुपचाप खड़ा क्यों नहीं हो सकता? गन दो मुझे सर। अबे हम क्या करें? चल। लगता है अब हम नहीं बचेंगे। चुप। हे, देखो उधर वो खिड़की खुली हुई है, भूत ही था। वहां से बिल्ली अंदर आ गई होगी। नहीं डैडी, भूत था, भूत था डैडी। कुछ नहीं था। नहीं चलो। हाय प्रकाश, बाल राजू का है, बता बे। तुझे जो मांगता है वो मेरे पास है, तुझे जो मांगता है वो मेरे पास है, तुझे जो मांगता है वो मेरे पास है, तुझे जो मांग। तू कौन है? गजब, क्या चक्कर आया यार, कौन सी ब्रांड पी रखी है भाई? घंटा ब्रांड पे। वो फोन कहाँ रखा है, जल्दी बोल। अच्छा 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 अच्छा, रुक जा रुक जा रुक जा, मेरी वाइफ मुझसे इतना प्यार करती कि हर रोज क्वार्टर देती थी मुझे, मुझसे अपना फोन लेने के लिए तुम लोग एक क्वार्टर तक नहीं पिला सकते। अरे तू अभी तक हमसे इसी क्वार्टर की बात कर रहा था? अबे ये क्वार्टर ही नहीं, कोई भी ब्रांड चलेगा, गांजा भी चलेगा, समझा? ये क्या था बे? मच्छर था। मच्छर? उसके पूरे खानदान को मिट्टी में मिला के उसका खून पी जाओ। पीना बाद में, पूरी बोतल दूंगा, पहले फोन का रखा ये बता। सर तुमने जो बात की उससे मैं हर्ट हो गया। हर्ट होने के बाद मुझे पीने का मन किया तो मैंने फोन गिरवी रख दिया। अवार्ड लगा दी इसने। क्या बे, फोन गिरवी रख दिया? किसे दिया बोल? देखो विद्या, जैसे भिखारी को ऑडी कार मिल जाए वैसे ही तू मुझे मिली हो। आज तुझे टच कर करके फोटो क्लिक करूंगा और फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा। अच्छी तस्वीर आई। ओह लगता है आज मैं जन्नत में आ गया हूँ, इतनी सारी सुंदर लड़कियाँ मेरे अगल बगल से गुजर रही हैं, अपनी तो लॉटरी लग गई। आओ वर्मा। सर आपने जैसे बताया था डॉक्टर हर्ष का फोन हमने ट्रेस किया, मगर वो फोन 9888555555 पे कोई और यूज कर रहा है। ओके, जरा फिर से एक बार नंबर बोलो। 9888555555। सर ये नंबर 3 मार्च सेसु नाम का कोई आदमी यूज कर रहा है। अभी ये नंबर पे अनूप बिग बाजार का लोकेशन दिखा रहा है सर। आप लोगों से पैसे लूंगा क्या मैडम? अगर मैंने आप जैसी हसीनाओं से पैसे लिए तो मुझ पर थू होगा ना मैडम? ओ नॉटी बॉय, चल ना, अच्छा बच्चा, आजा। अरे इतने बड़े मॉल में उस 3 मार्च सेसु को कहाँ ढूंढेंगे? फोन कर रहा हूँ ना। कर रहा है? हाँ कर 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 कर। बिजी आ रहा है। बिजी आ रहा है, एक बार और ट्राई कर, अगर पुलिस के हाथ लगा तो हम लोग मारे जाएंगे। मैं स्नैपडील से बोल रहा हूँ। अरे सामने वो पिस्तौल वाला। क्या कर रहा है? वो हमें इन कपड़ों में नहीं पहचानेगा। एक लड़की लग रही है क्या? लकी ड्रॉ में आपको गिफ्ट मिला है। क्या कहा, गिफ्ट? ये क्या विद्या, जब से तुम मिली हो मेरी तो किस्मत ही खुल गई है। क्या गिफ्ट है भाई? वॉशिंग मशीन सर। वॉशिंग मशीन? एक जोड़ी मैंने पहन रखा, एक जोड़ी सूखने के लिए डाला, उसके लिए वॉशिंग मशीन क्या करूंगा? अगर आपको वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए तो हम उसके बदले में पैसे दे सकते हैं। ये तो फोन पे बात कर रहा है, कहीं ये उसके साथ बात तो नहीं कर रहा है? चल जाके देखते हो सकता है। चल मैं आकर खुद आपसे मिल लूंगा सर। आप कहाँ रहते हैं ये बता दीजिए। तुझे दिखता नहीं है क्या? सॉरी डार्लिंग, फोन टूट गया। सॉरी डार्लिंग, फोन टूट गया तुम्हारा, ये नॉटी। हेलो वॉशिंग मशीन? नहीं सर, मैं बिग उल्लू कंपनी से बात कर रहा हूँ।
बिग उल्लू कंपनी। हाँ सर, हमारी कंपनी एक जापानीज कंपनी है। हमारे ओनर का नाम है उल्लू चिंग पांग। बाय द वे कंग्रेचुलेशंस, आप अफ्रीका के जंगल में आधी रात प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। अफ्रीका के जंगल में आधी रात? हाँ सर, आपको और आपकी वाइफ को अफ्रीका के जंगल में एक रोमांटिक डिनर करने मिलेगा। रोमांटिक डिनर तो ठीक है मेरे भाई, लेकिन मैंने तो शादी नहीं की है। आप बहुत लकी हो सर, आप जैसे लोगों के लिए तो हम लोग सेटिंग भी करा देते हैं सर। जस्ट अ मिनट विद्या, ये क्या विद्या, लगता ऊपर वाला मुझ पे आज ज्यादा ही मेहरबान है। सर तुम्हारी माया है। जस्ट अ वेट, मेरा दिल तो चाहता है कि यकीन कर लूं, पर मेरा दिमाग मना कर रहा है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। आप हम पर यकीन करना चाहते हैं, इतना ही ना। आप अभी कहाँ पर हैं? बिग बाजार में। ओ सर सर सर, आप फिर से लकी हो गए सर। हाँ सर, वहाँ फोर्थ फ्लोर में मान्यवर की एक शॉप है। हाँ। आप उसमें जाइए, आपको जो भी पसंद है अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने हाइट के हिसाब से आप चुन सकते हैं। अरे वाह, आप जिस भी लड़की को पसंद करोगे उसके साथ अफ्रीका जा सकते हो। क्या तू वाकई में सच बोल रहा है? तो दो मिनट रुक, अभी आया। सर काले कटिया जाड़ा लगे, सर काले कटिया। कैसी हो तुम? चीची ये नहीं चलेगी, इसे सेलेक्ट कर लूं क्या? अरे नहीं नहीं, ये भी नहीं चलेगी। काम थोड़ा आसान हो गया। अरे नहीं नहीं, ये भी मुझे पसंद नहीं आ रही, मुझे कुछ अच्छी वाली चाहिए। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, किसे ढूंढूं किसे ढूंढूं? आज तो करेगा सुसु। तुम तीनों जल्दी से दे रहा हूं, मैं सेलेक्ट करता हूं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, पुष्पा प्रियंका सुषमा किसे लेके जाऊं? सोच रहा मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं। बहुत खूबसूरत है, साउथ अफ्रीका के लिए परफेक्ट रहेगी। नाम बताओ बेबी। हेलो, तू कहां से टपक गया भाई? जुरासिक पार्क से भागा हुआ लगता है। इन लोगों के बॉस हो क्या? जो भी हो मुझे क्या, ये लड़की मुझे पसंद आई है, इसे अफ्रीका लेके जाना है। अरेंजमेंट करो। वाह क्या मसल्स है तुम्हारी। वाह तू मेरे बॉडीगार्ड के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। कहाँ चलेगा? वही अफ्रीका में। अफ्रीका में? पर मुझे तो उनके साथ जाना था। प्लान ए वो कौन है ये पता चल गया। प्लान बी उसके पास से वो फोन लेना होगा। स्वाति तुम किसी भी तरह उसे कार पार्क में लेके आओ। यस। अरे मारे मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा, मारे मार मार के कच्चू में निकाल दिया। हाय। ए कंट्रोल रख, उस दड़ियल ने इतनी कुटाई की, उसके बाद भी इसे देखूं? अब नहीं, थोड़ा हिम्मत कर लूंगा तो इस बार बात बन जाएगी। टंटनाटन टंटन तारा, टंटनाटन टंटन तारा। वाह लगता है इस बार लॉटरी लग जाएगी। सुनो डार्लिंग मैं आ रहा हूँ। ए डार्लिंग तुमने क्या सोचा, तू पत्थर के पीछे छुप जाओगी, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा क्या? क्यों ब्रदर, तो सिस्टर का पीछा क्यों कर रहा है? ब्रदर नहीं रे मेरे भाई, जीजा जी का। सर प्लीज सेव मी सर प्लीज, सर ये कब से मेरा पीछा करके मुझे छेड़ रहा है। मैंने तुझे कब छेड़ा? झूठी कहती। हाँ सर ये सच कह रही है, इसने हमें भी छेड़ा है। हाँ सर, जब मैं ट्रायल रूम में कपड़े बदल रही थी तो इसने मेरी फोटो निकाली, मैं तो ब्लैकमेल हो गई। अपने आप को आईने में देखेगी तो तुझे खुद से नफरत हो जाएगी। तेरी फोटो खींच के क्या मैं अचार डालूंगा? तुम इसकी कंप्लेंट करने आई हो? पुलिस स्टेशन लेके चल चल। कौन सा पुलिस स्टेशन है तेरा? कौन सा पुलिस स्टेशन है? अरे सर वो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हो रहा है तो। सर ये झूठ बोल रहा है सर, ये पुलिस बनके मुझे मारा है सर। पुलिस वाला मारेगा तो ऐसा इफेक्ट होता है। फोन ला इधर। आवाज। उस फोन के लिए मैं मारने मरने के लिए भी तैयार हूँ। फोन इधर दे। ये फोन उसे दिया तो मार दूंगा। अरे मुझे वो फोन मेरे हाथ में दे दे, नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। मेरी विद्या बालन। क्या इस फोन में है जान ना कोई? अरे मस्त मजा कर रहा है लाइफ से। अरे टच फोन सेक्सी इतना क्यों है रे? किसी की चिट में कोई है सनसनी सी, भूल से
जो है लग गई फोन लाया फोन दे मुझे देता हूँ देता हूँ ये फोन नहीं चाहिए सर मेरी वॉलेट चाहिए इसने मेरे कपड़े गंदे कर दिए अपना फोन मुझे दे दो मैं तुम्हें किस कर दी मैं पागल क्या पता है टारगेट बेकसूर है कोई अरे रे बन गई है सजा सी जिंदगी अरे रे देखो जहाँ दिख रही है मौत ही फंस गए हैं कहाँ खोली तेरे चक्कर में कहाँ जाएगा विद्या वालन तू जा Hey, शर्मा यार मैंने इतनी कोशिश की इतना दिमाग लगाया लेकिन इस पासवर्ड को ओपन नहीं कर पाया तू मेरा चेला है मुझे पता है कि तू जरूर ओपन कर लेगा इसे डन इट ब्रो सारी फाइलें खुल रही हैं एक्सीडेंट होने के बाद आपकी बेटी का ब्रेन डेड हो गया था उसकी मौत ऑन द स्पॉट ही हो गई थी क्या है ये इसमें ऐसा क्या डॉक्टर साहब कुछ भी करके मेरी बच्ची को बचा लीजिए डॉक्टर साहब किसी भी इंसान का जीना या मरना उसके हाथ में बिल्कुल नहीं होता है ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं बीते हुए कल को तो मैं नहीं बदल सकता लेकिन आपका आने वाला कल मैं डेफिनेटली बदल सकता हूँ आपको बस इतना करना है कि आपको अपनी बेटी के अंग दान करने हैं ताकि और लोगों की जान बचाई जा सके भगवान के बाद लोग डॉक्टर को ही भगवान मानते हैं डॉक्टर साहब ठीक है आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही कीजिए आप फिक्र मत कीजिए साथी सर इन लोगों से नो ऑब्जेक्शन लेटर पे साइन ले लेना ठीक है ओके सर आपने ऐसा करके बहुत अच्छा किया ठीक है चलिए हाँ मिनिस्टर साहब गुड न्यूज़ है आपके लिए एक हार्ट मिल गया है हाँ अब आपकी जान को कोई खतरा नहीं है अब आप 100 साल तक जी सकते हैं मैं अभी उसके पेरेंट्स से बात करके आ रहा हूँ सेंटिमेंटल फूल्स हैं सारे के सारे पैसा भी नहीं लिया उन्होंने ए, इसे ऐसे मत निकालो ऐसे मत निकालो ले ले क्या अरे क्या कर रही हो क्या कर रही है अरे जाओ लेट लेट जाओ अरे सुनो पकड़ो इसे क्या क्या कर रही हो कहाँ जा रही है नहीं अरे अरे सुनो इधर सुनो मेरी बात तो सुनो 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 मेरी बात तो सुनो ऐसे नहीं सुनेगी माँ को देखने जाएगी तू तेरे हार्ट के लिए 25 करोड़ दे रहा वो मिनिस्टर हाँ इसीलिए मैंने तेरा एक्सीडेंट करवाया था और तू जाने की सोच रही है 25 करोड़ कौन देगा तेरी माँ देगी क्या ऐसा कर सकता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कोलकाता के बिजनेसमैन केदारनाथ जी की किडनी एक से मैच हो गई है ये अफजलगंज में रहता है कैसे लोग हैं यार ये तुम अब भी नहीं समझे ये बहुत बड़ा ऑर्गन माफिया है हाँ। ये क्या कह रहे हो तुम हाँ स्वाति समाज सेवा के नाम पर ये हेल्थ कैंप लगाते हैं उसमें पेशेंट्स के डिटेल निकालते हैं और फिर हाँ। किलर को कहकर उसका एक्सीडेंट करवा देते हैं और उस इंसान का ऑर्गन निकाल कर बेच देते हैं अरे ये हाँ। किलर तो अपना पीछा कर रहा है ना
मतलब इस सारे मर्डर के पीछे उस मिनिस्टर का हाथ है। मोबाइल भेज दो, मोबाइल भेज दो, मोबाइल दो, दे दो, दो जल्दी दो। अरे जल्दी करो, मार डालेगा ये। भगवान, ओ मेरी स्वाति, अरे चल चल। चल गाड़ी में चल। अरे स्वाति, अरे 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 मेरी बात सुन, स्वाति को लेकर जा रहा है। सुन, अरे सुन, अरे क्या कर रहा, सुन सुन, जब तक फोन हमारे हाथ में है वो स्वाति को कुछ नहीं करेगा। हम अगर उसे ये बोलकर ब्लैकमेल करें कि ये फोन हम मीडिया के हाथ में दे देंगे तो वो मिनिस्टर खुद भागकर हमारे पास आएगा। तू चल अभी चल। सर, आपके घंटा को बुलाओ क्या? घंटा को नहीं 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 सर, फटे हुए स्पीकर के जैसा क्यों चिल्ला रहे हैं सर? ए घंटा को ये बात बिल्कुल नहीं बतानी है। वो एनकाउंटर वाली जगह पर और उस शॉपिंग मॉल में पुलिस के हाथों में जो फोन आने वाला था उसे बर्बाद कर दिया। उसे मैंने रंगोली बनाने को कहा था, उसने पीस पीस कर सब गुड़ गोबर कर दिया। उसे किसी भी हालत में वहाँ नहीं आना चाहिए, अगर वो आ गया तो तू मरेगा। हेलो मिनिस्टर भैया। वड़कम, आधा वर्ष है। क्यों बच्चों, कब बुलाया था मैंने? ये कोई टाइम है क्या आने का? वो क्या है कि सुअर हमेशा टाइम पर आता है और जो शेर होते हैं वो एक मिनट लेट आते हैं। ये डायलॉग ऐसा नहीं है, सुअर हमेशा लेट आता। बैल, क्या बोल रहा है तू? उन लोगों ने बोला, मैंने सुन लिया, बीच में तू क्या काँव काँव कर रहा है? फोन दो मुझे, एक्सचेंज करना है। भूल गए क्या स्वाति कहाँ है? पंकज, गरीब लोगों की जिंदगी के साथ तू खिलवाड़ कर रहा है। ए, इस दुनिया में गरीब कौन है? हार्ट, किडनी, लिवर, ब्लड प्लेटलेट्स, इस तरह करोड़ों का माल भरा है इस बॉडी के अंदर, इसके बावजूद लोग गरीबी में जी रहे हैं। ये बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है? अरे मैं भी सेवा ही कर रहा हूँ, मैं एक गरीब को मारता हूँ और चार अमीरों को जीने का मौका देता हूँ। 1:4, 1:4। अगर ये बात बाहर निकल गई तो क्या होगा? ए, इन तीनों को मार दे। ये क्या कर रहे हो? सेंट की बोतल क्यों दिखा रहे हो? ये सेंट की बोतल नहीं है, ये ग्रेनेड है, सबके चीतरे उड़ा देगा। ये सब क्या है डॉक्टर? तुमने तो कुछ और कहा था, ये लोग ग्रेनेड दिखा रहे हैं। क्या बोल रहे हो? ग्रेनेड कहाँ से आएगा इनके पास? ये नकली ग्रेनेड है। नकली? पिन निकाल के दिखाऊं क्या ये असली है या नकली? अभी तक हमें काम नहीं आता है ये सोचा था उस मिनिस्टर ने, लेकिन अभी अपना काम कैसा होता है ये दिखाएंगे उसे। इस बंगले को राउंड अप करो, दुश्मन को कंफ्यूज करके मार देंगे। गोली चलाओ, गोली चलाओ, चलाओ, चला, चला, शूट देम, शूट चला ना गोली। अरे क्या कर रहे हैं? शूट देम, फेंक दे, फेंक दे, फेंक दे। सबका बैंड बजाऊंगा। नो 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 नो। भाई अंदर सब गए। अरे घंटा, वहाँ ग्रेनेड है। ग्रेनेड नहीं है बॉस, गन है, गन मेड इन जापान। तेरे हाथ में नहीं रे, तेरे पैर के पास है। अगर तेरा पैर पड़ा ना तो फटके चिथड़े उड़ जाएंगे। बॉस, पैर के पास क्या? बोला था नहीं नकली है? तुम मुझ पर गोली क्यों चला रहा है? डॉक्टर आप है क्या? डॉक्टर को एक सीटी दे दो। उसे तो तौंदी आ गई, किस पे गोली चला रहे मालूम नहीं। अरे बापे, ये घंटा यहाँ कैसे आ गया रे? उसे बुलाने के लिए मैंने मना किया था ना। मैंने उसे फोन करके एड्रेस बताया था कि यहाँ बिल्कुल मत आना। यहाँ नहीं आने के लिए एड्रेस बताया? कहीं का ऐसे लोग मुझे मिलते ही क्यों है? हमें क्यों बजा रहा है? जमा यहाँ से। ये लोग कौन है रे? ट्रैफिक पुलिस की तरह सीटी बजा रहे हैं घूम घूम कर। सांप अपने बच्चे को नहीं खाता है सर। अबे नालायक सांप, बिच्छू का उदाहरण यहाँ क्यों दे रहा है? काम की बात कर। उसे रात को नहीं दिखता है, इसलिए उसने अपने आदमियों की सेफ्टी के लिए उन्हें सीटी दिया है। अरे अब हम लोग क्या करें? कोई आइडिया है तो बताना। सिंपल है, सीटी बजाओ, जीवन बचाओ। दो सीटियाँ अपने लिए भी रख लेते। अब जिंदगी जीने के लिए सीटी बजानी पड़ेगी क्या? जा यहाँ से, जो करना है जल्दी कर। घंटा डाउन, घंटा, इस घंटा से कोई नहीं बच पाएगा।
अरे बैगन की औलाद, एक्स्ट्रा सिटी है तो मुझे भी एक दे दे। छी इसकी तो, वो भी ले गया, अब क्या करूं? अरे बाप रे, अरे घंटा, तुझे मैं ही मिला था क्या रे? बॉस, आपके पास सीटी नहीं है क्या? मेरे पास कहां से आएगा? तूने मुझे दिया क्या? मैंने उससे मांगा, कोई और लपक कर ले गया। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू यहाँ से चला जा। आपको पहले ही बता दिया था, एक बार जो मैं कमिट कर देता हूँ फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। तू सेफ है ना? कोई भी दुश्मन बचना नहीं चाहिए, जो मिलता है उस पर ऐसे ही गोली चला दो। अरे बाप रे, अरे सर, अभी तक एक भी गोली मेरे दुश्मन को नहीं लगी, घुमा फिरा कर मुझे ही गोली लगती है। तू घंटा एक में बुलेट खत्म हो गया, कौन है? बुलेट दो, दो ना, ये दो, तुम जाओ। नमस्ते भाई, फिर से गोली लोड कर रहा है, अपने पास सीटी भी नहीं है, चल भाग ले, भाग ले यहाँ से, जल्दी कर, चल यहाँ से निकल। गंदे 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 गंदे, बता फोन कहाँ है? मेरे पास नहीं है। मैंने कहा ना फोन दे, फोन कहाँ है? वो फोन मेरे पास नहीं है। ऐसे नहीं मानेगा तू, तुझे तो मैं कम 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 मिल गया, ये पूछो इससे फोन कहाँ है, कम ऑन। कूल सर, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ गया हूं ना, बता फोन कहाँ रखा है, बता मुझे। ये तू इससे किस तरह से बात कर रहा है, जैसे तेरा बेटा हो? पागल हो गया है क्या तू? ए शूट कर रहा इसे। ये मेरा बेटा है, माई ओन सन। सुनिए जी, उसे घर से गए 4 महीने हो गए हैं, आप उससे बात करके उसे बुला लीजिए। मैंने उसे इतना ही तो कहा, मेरे जैसा पुलिस ऑफिसर बनकर तुम भी इस देश की सेवा करो। उसने क्या कहा? मेरी लाइफ है, अपने हिसाब से जीऊंगा, आई एम अ फ्री बर्ड। और वो चला गया। अब मेरी क्या गलती है? मैं क्यों फोन करूं उसे? उससे ही कौन फोन करेगा? पापा, मेरा इस मर्डर से कोई संबंध नहीं है पापा। तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मेरे लिए तुम पर शक करना खुद अपने आप पर शक करने जैसा है। मगर इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बाहर रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। जैसे तुम्हें वो फोन मिले तुम घर में आकर छुप जाना, मैं बैक डोर ओपन करके रखता हूँ, ओके? थैंक यू पापा। एनी प्रॉब्लम? ए करण, वो फोन कहाँ है? जब बिल्ली अंधी होती है तो चूहा नाचने लगता है सर। फोन दे मुझे वरना सब मारे जाएंगे। कोई हिलना नहीं, हिलना नहीं, कोई खड़ा रहो, खड़ा रहो। हे डॉक्टर, उधर ऊपर देखो, उस तरफ देखो, कितनी देर से सारे न्यूज चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तुम्हारी परफॉर्मेंस, मिनिस्टर की परफॉर्मेंस सब लोगों को बहुत पसंद आई है। टीआरपी रेटिंग्स ने सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स को ऊपर चढ़ा दिया है, अब तुम सबका बचपाना इम्पॉसिबल है। अरेस्ट देम। डॉक्टर, डॉक्टर, दिल लगाने को बोला, हंसकर लगा दी। इस घंटे को मेरे सेल में मत डालना प्लीज। कम ऑन गाइस, तुम इधर आओ ना बेटी।
वासु, यू हैव डन अ गुड जॉब, ऑल द बेस्ट। कहाँ चले गए सब लोग? भाई, अपन जान बचाकर वहां से भाग लिए भाई। अभी वॉर खत्म नहीं हुआ बे, मेरी वजह से बॉस फर्स्ट टाइम जेल में गए हैं। जेल की दीवार तोड़कर बॉस को बाहर लेकर आऊंगा। बॉस को बाहर निकालने के बाद अपना ऑपरेशन विद्या बालन खत्म होगा, समझ गया ना? भाई मेरी बात सुनो भाई, एक बार कमिटमेंट हो गया तो नो डिस्कनेक्शन, ओनली टर्मिनेशन। अच्छा भाई, रात है, ठीक से गाड़ी चलाओ वरना नींद आ जाएगी।